हेलो हेलो 124 124, हेलो 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 124 124। हेलो हेलो 124 डन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया, मैं भी यहां पर एकदम मौज में। हम सभी लोग एफएम का बूस्टर बैच कर रहे हैं नवंबर 23 के लिए, जिसके अंदर हमारे 2 सेशन लगे थे। वैसे हमारी प्लानिंग ये थी कि आज हम 2 सेशन लगाएंगे, पर थोड़ा सा यहाँ पे लाइट की दिक्कत है, अभी लाइट नहीं आ रही है, तो उस वजह से 2 सेशन हो नहीं पाए। कोई बात नहीं, एक सेशन हम कल सुबह जल्दी लेंगे, 10 बजे के आसपास कल एक सेशन लेंगे। तो हमारे पास बूस्टर बैच में फर्स्ट लेक्चर में 2 चैप्टर हुए थे, फिर सेकेंड में 2 हुए थे, थर्ड सेशन में वर्किंग कैपिटल, फोर्थ में रेशो, फिफ्थ में कैपिटल बजटिंग। आज हमारा 6th सेशन है जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, और 7th सेशन हम लोग कल लेंगे मॉर्निंग में किसी टाइम में, वो टाइम मैं बता दूंगा क्लास के एंड में, और आपके पास पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। हाँ जी, अब सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन राइटिंग में कर लिए हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितने बच्चों ने कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस को राइटिंग में कर लिया। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, विक्कू, माही, दृष्टि, और बहुत नीचे चला गया तो हाँ जी, विक्कू, माही, दृष्टि, कविंदर, साहिल, अरुण, ईशान, निखिल, तुषार, श्रेया, विपिन, साहिल, मनीषा, मासूद इस्लाम, यश जैन, माही, साहिल जोशी, अनुष्का, लॉर्ड, पार्श्व, हनी, कन्हैया, दिशा, बीशु, गुड्डू, महक, परशवा, भारती, नीतू, अरुण, निखिल, काजल, कुलदीप, विशाल, जेम्स बॉन्ड, कन्हैया, दीपिका, विपिन, निखिल, मनीष, काजल, चिराग, निखिल, महक, अतमाज, ईशान, अक्षिता। अक्षित आज करेंगे, अक्षित आज करेंगे। अतमाज फीलिंग कॉन्फिडेंट है, चिराग भी आज करेंगे, अरुण कर चुके हैं, विष्णु, मनीष, दीपिका, पार्श, ज्योति, कुलदीप। कुलदीप का लास्ट ईयर एमटीपी और आरटीपी रहता है, और पाशर, विष्णु, इनका हो गया, राधेश्याम, अवर, दीपिका, मतलब बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इस टाइम पे हम लोग को यही चाहिए था। अच्छा, कितने बच्चों को कैपिटल बजटिंग करके भी ये लगा कि हाँ सर, अब कोई भी चैप्टर भारी नहीं लग रहा, सारे चैप्टर आसान हो गए हैं, पूरा एफएम ही आसान हो गया। अब आप पूरा एफएम उठा के देखेंगे तो आपको रिवाइज करने में लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। आज हम लोग करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर, 2 चैप्टर्स को बहुत आराम से देखेंगे। इनको बहुत सिंपल सोवर से चैप्टर हैं। हम लोग के पास एक बूस्टर बैच का मैं ब्रीफ दे देता हूं बच्चों को, जो कोई वैसे तो सबको पता ही है। बूस्टर बैच एक रिवीजन बैच है जो हम एग्जाम से पहले रिवीजन करवाते हैं बच्चों को। इसमें 100% कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। क्वेश्चंस का नाम हम बीबीक्यू रखते हैं, जिसका मतलब है बूस्टर बैच क्वेश्चन। और आपके पास में इसमें 102 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं तो आप उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए। ये बीबीक्यू, आरटीपी, एसएम, एमटीपी, पीएम, पास्ट ईयर क्वेश्चन जो आईसीआई के हैं, उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड। हमारा बैच 1 अक्टूबर शुरू हुआ था, इसके 5 सेशन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 6 सेशन आज है, 1 सेशन और लगेगा, पूरा एफएम खत्म हो जाएगा। कंसेप्ट 100%, स्पीड नॉर्मल रहती है, टाइमिंग 5 to 7 रही थी लाइव सेशंस की। ये वीडियोज अवेलेबल रहती हैं हमारे YouTube चैनल पर, हम कोई वीडियो हटाते नहीं है, जो अपलोड हो गई वो हो गई। और इसके अलावा आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे? आप CA नमित अरोरा सर्च करेंगे तो वहाँ पर जाएंगे, तो पिन मैसेज में जाना, वहाँ पर मैंने कोस्टिंग के बूस्टर बैच के नोट्स, फिर दोबारा पिन करेंगे सेलेक्ट, एफएम के बूस्टर नोट्स और इको के बूस्टर नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप ये बूस्टर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और एग्जाम से पहले आपके पास इसका प्रिंट आउट होना ही होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम वाले दिन भी जो आपको 1.5 मिलता है टाइम, 1.5 डे का टाइम मिलता है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली आप बूस्टर बैच ही कर पाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके प्रिंट आउट आप लोग बिल्कुल निकलवा कर रख लें। आज हमारे पास है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर, हाँ जी। और इसके बाद में हमारे पास दिन 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 इसके अलावा कोई और मुद्दा, ठीक 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 ठीक। इको के लिए हमारा कोई इको में कोई चेंज नहीं है, तो जो पुराना बूस्टर अवेलेबल है आप उसे देख सकते हैं। उसमें जितने भी हेडिंग्स हैं सारे हेडिंग्स को कंपाइल करके एक जगह पर रख दिया गया है और उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी कवर हैं, जितने भी न्यूमेरिकल है नेशनल इनकम के, मॉनेटरी पॉलिसी के, वो सारे के सारे वहाँ पर कवर्ड हैं। और उसके अंदर जितनी भी आपकी एडजस्टमेंट्स होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं, हेडलाइंस होती हैं, वो सारी की सारी एक जगह पे इकट्ठी करी है। शॉर्ट में 39 पेजेस के अंदर पूरा का पूरा इको वहाँ पर कवर है, तो आप उसको जरूर करें। उसके नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर जी। देखिएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा आसान है, इसको आराम से करेंगे तो बहुत सिंपल लगेगा। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? बेसिकली हमारे पास देखिए सोर्सेज ऑफ फंड्स, सोर्सेज ऑफ फंड से हमारे पास जो पैसा आता है बिजनेस के अंदर, उस पैसे को हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में लगाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमारे को एक वर्किंग कैपिटल हो गई और दूसरा फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स हो गए। तो कैपिटल बजटिंग हमारे पास चैप्टर रहता है जिसके अंदर हम फिक्स्ड एसेट्स को खरीदना है या नहीं, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, इस बात का डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने के लिए हम करते क्या हैं, जो हमारे पास कैश फ्लो होता है उस कैश फ्लो को हम करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे करते हैं? बाई यूजिंग डिस्काउंट रेट, और वो डिस्काउंट रेट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आखिर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या जिससे हम इस कैश फ्लो को डिस्काउंट कर रहे हैं? बेसिकली यहाँ पर आपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया, मान लीजिए 100 करोड़ आपने लगाए हुए हैं, तो वह 100 करोड़ आपने सोर्सेज ऑफ फंड से मंगवाए होंगे। तो सोर्सेज ऑफ फंड से जो आपने पैसा मंगवाया वो फ्री में नहीं आता। पैसा किस किस से आया हमारे पास? पैसा हमारे पास इक्विटी से आता है, प्रीफरेंस से आता है और डेट से आता है। इक्विटी के अंदर भी फर्दर हमारे पास दो तरीके से फंडिंग है, एक फ्रेश इशू करना जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब बिजनेस में जो कमाई हुई वो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी बल्कि बिजनेस में ही रिटेन कर ली। तो ये हमारे पास सोर्सेज रहते हैं। तो इन सोर्सेज को हमें जितनी आफ्टर टैक्स पेमेंट देनी होती है, इन सोर्सेज को आफ्टर टैक्स जो भी पेमेंट करनी होती है उसे हम बोलते हैं आफ्टर टैक्स कॉस्ट। जो भी यहां पर आएगी उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे मान लीजिए 15% आ गया, इसका मतलब इन लोगों को 100 करोड़ पे 15% आपको देना है। तो फिर हम जब कैपिटल बजटिंग में डिसीजन मेकिंग करते हैं वहां पर जो भी कैश फ्लो हमारे पास आता है, हम ये सोचकर पैसा लगाते हैं कि हम पैसा तभी लगाएंगे जब कम से कम ये 15% तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये 15% कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के बाद में भी कैश पॉजिटिव होता है तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव एनपीवी आ गया। वो जो पॉजिटिव एनपीवी होता है वो सरप्लस मनी होती है जिससे आपके इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। आपने सुना भी होगा कोई भी कंपनी अगर कोई डिसीजन लेती है, किसी को खरीदती है या कोई उसको टेंडर मिलता है तो उसके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। तो भाई टेंडर मिलते ही कैसे प्राइस बढ़ जाते हैं? प्राइस तो तब बढ़ना चाहिए जब टेंडर मिलने के बाद में काम एग्जीक्यूट हो और प्रॉफिट हो जाए, लेकिन टेंडर मिलते ही प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस इसलिए बढ़ जाता है कि पता होता है कि अब फ्यूचर में कैश फ्लो आएगा, तो आज की ही डेट पर प्रेजेंट वैल्यू पर ही उसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। तो कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म के सारे पैसे को आज की डेट में लाकर देखता है और बताता है आप पॉजिटिव जाओगे या नेगेटिव जाओगे। उसके लिए वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इस्तेमाल करता है। वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली आफ्टर टैक्स कॉस्ट है सोर्सेज ऑफ फंड्स की। तो हमारे पास यहाँ पर हमें सिंपली कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है जो केडी होगा। ध्यान रखना है कि हमारे को आफ्टर टैक्स कॉस्ट चाहिए, इसीलिए हम जो कैपिटल बजटिंग के अंदर डिस्काउंटिंग भी करते हैं वो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स की करते हैं जिससे मैचिंग कॉन्सेप्ट है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स रेट निकालना है और उसी रेट को हमें अप्लाई करना है आफ्टर टैक्स कैश फ्लो पर, जो कैपिटल बजटिंग में काम में आ जाता है। हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट केडी के नाम से कहलाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर केपी के नाम से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई के नाम से और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग केआर के नाम से फेमस है। और ये पूरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को केसी या फिर केओ बोला जाता है। वैसे इसको सिंपली बोलते हैं डब्ल्यूएसीसी यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर हमारे को केई, केपी, केटी और केआर निकालना आ जाए तो हमारे पास केओ सिर्फ उसका वेटेड एवरेज निकालना है या केसी बोलते हैं इसको, उसका वेटेड एवरेज जो भी निकल कर आएगा वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगी। बहुत ही सिंपल है, 5 नंबर का इसका क्वेश्चन आता है। कई बार केडी, केई, केपी, केआर पूछ लेता है सिंपली, और कई बार पूरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछ लेता है। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर केडी, केपी, केई और केआर हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ डेट की। कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर हमारे पास जो डेट होता है, जो लोन होता है, एक होता है इररिडीमेबल। इररिडीमेबल का मतलब है कि हमें पैसा वापस ही नहीं देना, तो ये परपिचुअल इसको डेट बोलते हैं कि लाइफ टाइम हमारे पास रहेगा। इस तरीके के डेट होते नहीं है, फिर भी इसकी कॉस्ट निकाली जाएगी। एक होता है रिडीमेबल, लमसम में और इंस्टॉलमेंट में। तो इंस्टॉलमेंट में अगर आप पैसा वापस कर रहे हो तो तोड़ तोड़ के पैसा दे रहे हो, और लमसम में यानी आप वन शॉट पेमेंट कर देंगे। इसके जो फॉर्मूले हमारे पास रहेंगे वो बड़े सिंपल, हम एक एक एग्जाम्पल इनके साथ लेते चलेंगे। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर, बहुत सिंपल चैप्टर है। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर में के डी इक्वल टू आई 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई एनपी। यहां पर आई का मतलब है इंटरेस्ट, कि आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हो। एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब होता है इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंस। अगर क्वेश्चन में नेट प्रोसीड आपको नहीं मिलती और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया हुआ है तो आप मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को ही नेट प्रोसीड मान सकते हो। अब जैसे मान लीजिए हमारे डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, हमारा इशू प्राइस 110 रुपये है, इशू एक्सपेंस हमारे 5 रुपये हैं, तो हमारे पास नेट प्रोसीड 105 आ जाएगी। ठीक है जी। अब हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट है 10%, तो ये रेट हमेशा फेस वैल्यू से लिंक करा जाता है, तो इसका मतलब आप 10 रुपये का इंटरेस्ट पे करेंगे। टैक्स का रेट हम मान लेते हैं 30% है, तो हमारे पास यहाँ पर के डी इक्वल टू आई में हमारे पास आ जाएगा 10% ऑफ 100 रुपये, 10 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड में 105 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास आ गया 6.67%। इस तरह से आपका केडी रिडीमेबल निकलेगा। इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, एकदम सिंपल सोवर होता है। कई बार आपके सामने क्या होता है कि जो हमारा फेस वैल्यू है और नेट प्रोसीड है वो इक्वल हो जाती है, यानी कि फेस वैल्यू भी 100 रुपये हो जाए और मान लीजिए नेट प्रोसीड भी 100 रुपये हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो होगा क्या, आप ऊपर जब इंटरेस्ट लेंगे तो आप लेंगे 10% ऑफ 100, 10 रुपये तभी आएगा, और डिनोमिनेटर में आप क्या लेंगे 100 रुपये। तो अगर हम इस तरह से करेंगे 10 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई 100 रुपये मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका आंसर 7% आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन आपको कहता है कि आप सिंपली फिर एक काम करो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे 1 माइनस टैक्स कर दो। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, अगर हम इसे 1 माइनस टैक्स करें तो सीधे 7% हमारे पास आ जाएगा। तो अगर आपकी फेस वैल्यू और नेट प्रोसीड सेम होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स ले लेते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आप जाते हो, वहां लिखा हुआ है 10% डिवेंचर, 10% डेट, उसके बाद में उसका इशू प्राइस, रिडेम्पशन वैल्यू, कुछ डेटा नहीं है, तो इसका मतलब सिंपली आपकी फेस वैल्यू और नेट प्रोसीड सेम है। फिर आप आई 1 माइनस टैक्स लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर हमारे पास लमसम में हो सकते हैं, तो लमसम में अगर आपके पास रिडीमेबल हैं तो इसके 2 मेथड हैं, एक एप्रोक्सीमेशन मेथड, एक YTM मेथड। YTM मेथड को प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इसमें हम सिंपली कैपिटल बस्टिंग वाली IRR निकालते हैं। तो पहले हमारे पास रहता है एप्रोक्सीमेशन मेथड। एप्रोक्सीमेशन मेथड स्टडी मेट में 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाई एन। आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाई एन आपका पर एनम लॉस को बता देता है। इसके बाद में डिनोमिनेटर में एवरेज वैल्यू आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाई 2 लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। कई बार जो 1 माइनस टैक्स है ये आई और आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाई एन के बाहर आ जाता है, तो ये जनरली हमने कभी भी सजेस्टेड आंसर में नहीं देखा, इसीलिए जो हमारा प्रीफर्ड फॉर्मूला रहता है वो आई 1 माइनस टैक्स वाला रहता है। ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, ये चीज़ देखते हैं ज़रा। जैसे मान लीजिए हमारे पास फेस वैल्यू है 100 रुपये, इशू प्राइस है 105 रुपये, इशू एक्सपेंस है 10 रुपये, तो नेट प्रोसीड आपके पास कितनी आ गई 95। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है, टैक्स का रेट 30% है और रिडेम्पशन वैल्यू 125 रुपये है। इसकी लाइफ 5 ईयर्स है। अब इस सिचुएशन में हमारे पास 15% तो इंटरेस्ट का रेट है, तो 100 रुपये का 15% यानी इंटरेस्ट 15 रुपये हर साल जाया करेगा, ठीक है। दूसरा, आपने जो इशू किया है नेट प्रोसीड है 95 और जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो है 125, तो 95 आपने लिए हैं और 125 आपको वापस करने पड़ेंगे, तो आपका 30 रुपये का नुकसान हो गया। 30 रुपये का नुकसान कितने साल में हुआ है 5 ईयर्स में, तो इसे बोलते हैं आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन। आरवी माइनस एनपी हो गया 30 रुपये डिवाइड बाई एन यानी 5 साल, तो इसका मतलब 6 रुपये पर एनम का आपका रिडेम्पशन पे नुकसान है। तो 15 रुपीज़ का इंटरेस्ट और 6 रुपये का नुकसान, ये हमारे 2 खर्चे बन जाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला के डी का सिंपली आ जाता है I 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाई एन। और फिर अब हमें लेनी है वैल्यू कि भाई डिवेंचर की क्या वैल्यू नीचे दें, तो ये रिडीम कितने में होगा 125 में और नेट प्रोसीड कितनी है 95, तो ये एक टाइम पे 95 का है और एक टाइम पर 125 का हो जाएगा। तो अब हम 125 वाली वैल्यू लें या 95 वाली वैल्यू लें, तो इसका सिंपल सा तरीका होता है कि आप एवरेज वैल्यू ले लो आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाई 2। जब भी किसी चीज़ में 2 प्राइस होते हैं अलग अलग टाइम पर, तो नेट प्रोसीड के टाइम पे वो 95 है और रिडेम्पशन के टाइम पे 125, तो जब भी 2 प्राइस होते हैं ऐसी सिचुएशन में एवरेज वैल्यू को हमेशा लिया जाएगा। तो इंटरेस्ट था 15 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी हो गया 125 माइनस आपका 95 डिवाइडेड बाई एन में आपके पास आ गए 5 ईयर्स 125 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास आ गया 15%। 15% हमारे पास रेट निकल कर आ गया। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड हमारे पास कैसे चलेगा, I 1 माइनस टैक्स RV माइनस एनपी डिवाइड बाई एन और नीचे एवरेज RV प्लस एनपी डिवाइड बाई 2। यहाँ पर I का मतलब इंटरेस्ट, 1 माइनस टैक्स मतलब 1 माइनस टैक्स, RV रिडेम्पशन वैल्यू, एनपी नेट प्रोसीड। इसके बाद में दूसरा आता है आपके पास में यील्ड टू मैच्योरिटी या फिर प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड कहता है कि आप KD इक्वल्स टू IRR निकाल कर दिखा दो। IRR को यील्ड टू मैच्योरिटी या फिर प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर बोला जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू रेट से कैलकुलेशन हुई है। तो यहाँ पर आपको सिंपली IRR निकालना होता है, तो लोअर रेट एनपीवी लोअर रेट पर, एनपीवी लोअर रेट माइनस एनपीवी हायर रेट, हायर माइनस लोअर रेट का डिफरेंस। तो IRR का जो फॉर्मूला है वो लगाना है। जब तक क्वेश्चन आपको ना बोले कि YTM मेथड लगाओ तब तक आप एप्रोक्सीमेशन मेथड ही लगाएंगे। अब IRR निकालने के लिए हमें 2 रेट चाहिए होते हैं, तो अगर हम 2 रेट की बात करते हैं तो फिर हमारे पास टेबल होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आपको टेबल नहीं मिलेगी, टेबल मिलती है कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस में एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टेबल नहीं देता, कभी दे भी सकता है लेकिन जनरली नहीं देता। अब आप करेंगे क्या, अगर क्वेश्चन ने कहा YTM मेथड लगाओ, आप कैलकुलेटर पर सिंपली एप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई कर देंगे। एप्रोक्सीमेशन मेथड को अप्लाई करने के बाद आपके पास जो रेट आएगा ये कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे आप। तो ये आ गया जी 15% आ गया हमारे पास, इतना सही तो फॉर्मूला लगाना है। तो 15% आ गया, तो आप ये मानकर चलिए कि YTM से भी 15% के आसपास ही निकल कर आएगा। तो एक रेट ले लीजिए 15% से 1-2% कम, एक रेट ले लीजिए 15% से 1-2% ऊपर, तो 2 रेट नीचे ले लेते हैं 2 रेट ऊपर। 15 माइनस 1 ले लेते हैं 13%, 1 ले लेते हैं 17%। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसी को YTM मेथड से करें तो हमारे पास रहेगा ईयर, 0 ईयर पर आपकी जेब में पैसा आएगा, 1 से लेकर 5th ईयर तक 5 साल की लाइफ है आपकी जेब से पैसा जाएगा और फिर रिडेम्पशन वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 2 अलग अलग रेट हम ले लेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कैश फ्लो किस तरह से चलेगा, यहाँ पर हम लेंगे डिस्काउंट रेट और यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इसके बाद में एक दूसरा रेट ले लेंगे डिस्काउंटिंग और यहाँ पर फिर से आ जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं और एक आप सोच सकते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों ने कैपिटल बजटिंग में जो पढ़ा था, अगर हम कैपिटल बजटिंग में देखें तो शुरू में क्या होता था, हमारा इन्वेस्टमेंट होता था और फिर हमारी T1 से TN तक रिटर्न आती थी और फिर TN पर सेलवेज आ जाती थी, इस तरह से चलता था। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हैं कि इन्वेस्टर का शुरू में पैसा गया जब उसने डिवेंचर खरीदा, फिर उसको इंटरेस्ट मिला और उसके बाद में लास्ट में उसे रिडेम्पशन वैल्यू मिल गई। और दूसरा आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं कि शुरू में पैसा हमारे पास आया, उसके बाद में T1 से TN तक हमारी जेब से इंटरेस्ट गया और लास्ट में हमारे पास रिडेम्पशन वैल्यू हमारी जेब से चली गई। तो दोनों से आंसर सेम आता है। तो आप पहला साइन माइनस का बाकी के दो प्लस के रख लीजिए या फिर पहला प्लस का बाकी के दो माइनस के रख लीजिए, अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे कैपिटल बजटिंग में हमने करा था कि शुरू में पैसा गया और बाद में आया, वो बच्चे के लिए आसान रहता है, इसमें बच्चा कंफ्यूज नहीं होता। तो जी सबसे पहले इसी वाले क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ आपको, नेट प्रोसीड 95, हम ये मान रहे हैं इन्वेस्टर की जेब से 95 रुपीज गए, ठीक है जी। अब उसके बाद में हमारे पास 1 साल से 5 साल तक हर साल 15 रुपये का इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स कट कर आएगा, तो 15 रुपये माइनस 30% 10.5 का इंटरेस्ट अगले 5 साल तक आफ्टर टैक्स कस्टमर को मिलेगा और लास्ट में उसे रिडेम्पशन वैल्यू 125 रुपये मिल जाएगी। डिस्काउंटिंग रेट आपके पास 1 रहेगा 0 ईयर का, एक रेट ले रहा हूँ मैं 13%, एक रेट ले रहा हूँ 17%। इसके बाद में हमारे पास 13 का 1.13 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 0.543 3.517 और यहाँ पर 1.17 डिवाइड बाई इक्व टू 1 2 3 4 5 0.456 और 3.199, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखते हैं 95 हमारे पास से चले गए, 3.517 मल्टीप्लाई बाई 10.5 36.92 हमारे पास आ गए। ओके, 125 मल्टीप्लाई 0.543 67.88 हमारे पास आ गए, 67.88 36.92 माइनस 95 पॉजिटिव 9.8 आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर 95 गए, 3.199 मल्टीप्लाई बाई 10.5 33.59 आ गए और 125 मल्टीप्लाई 0.456 57 आ गए, 33.59 प्लस 57 माइनस 95 माइनस का 4.41 आ गया, डन, ठीक है। अब हमारे पास हम लगा देंगे IRR, तो KD का फॉर्मूला आ जाएगा लोअर रेट प्लस NPV लोअर रेट, NPV लोअर माइनस NPV हायर मल्टीप्लाई बाई हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो यहाँ पर लोअर रेट था आपके पास 13%, ध्यान रखिएगा टेबल नहीं दी जाएगी, तो आपको रफ में कैलकुलेटर पर एप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करना होगा। YTM के लिए एप्रोक्सीमेशन मेथड से जो भी रेट निकल कर आएगा उसे 1-2% नीचे ले लो, 1-2% ऊपर ले लो, क्योंकि YTM से जो मेथड आता है, जो एप्रोक्सीमेशन से आता है, YTM से भी लगभग उतना ही आपका आंसर आ जाता है। NPV लोअर रेट का हो गया 9.8, NPV लोअर रेट 9.8 माइनस माइनस प्लस हो गया 4.41 और यहाँ पर रेट है हमारे पास 17% और 13%, 4% का डिफरेंस है। तो 13% प्लस 2.76% यह आ गया 15.76% आपका KD। इस तरह से हमारे पास YTM से KD निकल जाएगा। ओके, तो आपके पास में आपका एक हो गया अप्रोक्सीमेशन। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे, कुछ ना बोले, तो कौन सा मेथड लगाएंगे? तो हमेशा अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाएंगे। YTM मेथड कहेगा तभी लगाएंगे, फालतू मेहनत हम क्यों करें जब नंबर सेम मिलने हैं। इसके बाद में आता है कि भाई रिडीमेबल है डिवेंचर इंस्टॉलमेंट में, तो जो लमसम वाला था उसके तो दो तरीके थे, एप्रोक्सीमेशन और YTM। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट में है तो IRR ही आपको लगाना पड़ेगा, यानी इसके दो मेथड नहीं है। इंस्टॉलमेंट में है तो आपको YTM मेथड से ही कैलकुलेट करना होगा। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट जाता जाए उसके दो रेट लेकर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, एक पॉजिटिव NPV एक नेगेटिव, और आपके पास IRR का फॉर्मूला लगा दीजिए। फिर हमारे पास आता है जीरो कूपन बॉन्ड, जेडसीबी इसको बोलते हैं। आईडीबीआई ने एक बॉन्ड इशू किए थे जीरो कूपन बॉन्ड, उसका नाम उन्होंने रखा था डीप डिस्काउंट बॉन्ड, तो डीडीबी बोलते हैं उनको। तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड एक ही चीज़ है, बस वो आईडीबीआई ने इशू किए थे। और जनरली जिस पर जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हो, जिस पर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बॉन्ड कोई पेमेंट नहीं होगी इंटरेस्ट की, उसे जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इनको डिस्काउंटेड रेट पे इशू किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे को यहां पर T0 पर इशू करना है जीरो कूपन बॉन्ड, और T5 5 साल बाद इसकी मैच्योरिटी है, यहां पर इसकी मैच्योरिटी आएगी। तो मैच्योरिटी पे जो फेस वैल्यू होती है वो मिलती है। तो इसकी फेस वैल्यू मान लीजिए 1000 रुपये मैंने रख दी कि भाई फेस वैल्यू 1000 रुपये। अब मान लीजिए मेरे को 10% इंटरेस्ट देना है, तो 5 साल है तो 10% इंटरेस्ट देना है, तो 1.1 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 621। मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी 10% 5 साल का लेकर, 621 रुपये में मैं इसको इशू कर दूंगा। अब आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा कि 621 में इशू हुआ है, 1000 में रिडीम होगा, तो आप बताइए जीरो कूपन बॉन्ड की रेट ऑफ इंटरेस्ट के डी क्या रहेगा। तो सिंपली कॉस्ट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इक्वल्स टू, आपको सिंपली इंटरेस्ट का रेट निकालना है एन, यहां पर आप लेंगे इसकी फेस वैल्यू या रिडेम्पशन वैल्यू जो भी क्वेश्चन बोले, और यहां लेंगे इशू प्राइस -1। तो आपके पास फेस वैल्यू है 1000, इशू प्राइस है 621, अंडर रूट में 5 आ गया -1। इसको सोल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले 1000 डिवाइडेड बाई 621 कर लो कैलकुलेटर पर, 1000 डिवाइडेड बाई 621 इक्व टू मेरे पास आ गया 1.610 समथिंग, ठीक है। अब आप अंडर रूट का बटन 12 बार प्रेस कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप -1 का बटन दबा दीजिए, -1 इक्व टू, ठीक है जी, -1 इक्व टू कर दिया। अब इसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, 5 है यहाँ पर, तो अंडर रूट के अंदर 5 बैठा हुआ है, पावर 5 है यहाँ पर। तो अब आप 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, डिवाइड बाई 5 इक्व टू। अब आप इसको +1 कर दीजिए, +1 इक्व टू। अब जो भी आया है उसको आप मल्टीप्लाई इक्व टू 12 टाइम्स करेंगे, मल्टीप्लाई इक्व टू मल्टीप्लाई इक्व टू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया मेरे पास 1.10। यहाँ पर -1 है, इसमें से -1 करिए 0.10, और 10% का आपका रेट निकल आया। तो आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा, अंडर रूट में फेस वैल्यू डिवाइड बाई इशू प्राइस, पावर में n, और -1। अगर पावर 5 की जगह 4 होती तो हमें ये सब ना करना पड़ता, बस 2 बार अंडर रूट का बटन दबा के काम हो जाता। तो हमारे पास यहाँ पर के डी इक्व टू आरबी माइनस आई पी, रिडेम्पशन वैल्यू, इशू प्राइस, यहाँ n और पावर -1, ठीक है। अब अगर वापस जाके देखते हैं हम, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर क्या क्या है, के डी इंटरेस्ट 1 - टैक्स डिवाइड बाई नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई 100। इसके बाद में लमसम में अगर हम बात करते हैं तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन मेथड और दूसरा YTM मेथड, ये 2 मेथड रहेंगे। और इंस्टॉलमेंट में बात करते हैं तो सिर्फ YTM मेथड रहेगा। जीरो कूपन बॉन्ड की बात करते हैं तो सिंपल आपको अंडर रूट आरबी डिवाइड बाई आईपी, पावर में n रहेगा -1, यानी जो इंटरेस्ट रेट निकालने का फॉर्मूला होता है कंपाउंड का वो निकालना है, या आप कह सकते हो 1 टाइम इनफ्लो 1 टाइम आउटफ्लो वाला जो IRR का फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर के अंदर जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो उसकी कन्वर्टेबल वैल्यू रहेगी। जैसे आपको कह दिया क्वेश्चन ने कि हमने कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए हैं जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे 5 साल बाद, तो 5 साल बाद इक्विटी शेयर की जो वैल्यू होगी वही हमारा रिडेम्पशन वैल्यू मानकर हम क्वेश्चन करेंगे कि इनको 5 साल बाद इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। तो इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रिडेम्पशन वैल्यू हो जाएगी। तो कन्वर्जन में आपको जो भी मिलने वाला है उसी को हम रिडेम्पशन वैल्यू मानेंगे, जिस दिन कन्वर्ट होगा हम मान लेंगे कि डिवेंचर रिडीम हो गया। इसके अलावा इशू प्राइस के बारे में कुछ ना बताएं तो मार्केट वैल्यू लीजिए, और अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो मान लीजिए पार पर इशू किया है, रिडेम्पशन वैल्यू ना दी हो तो पार वैल्यू पर रिडीम करेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में या तो क्वेश्चन बताएगा, अगर नहीं बताएगा तो फ्लोटेशन कॉस्ट इशू प्राइस या फिर फेस वैल्यू जो भी ज्यादा होगा उस पर लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए फेस वैल्यू है 100 रुपये और इशू प्राइस है 105, तो हम 105 पर लगा देंगे। और मान लीजिए इशू प्राइस है 95 तो हम फेस वैल्यू पे लगा देंगे। वैसे अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए तो आप अपनी एजम्पशन लेकर कर सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द सजेस्टेड आंसर में देखा गया है कि विच एवरेज हायर को एग्जामिनर ने इस्तेमाल किया है, तो विच एवरेज हायर पर आप लगाएंगे, एजम्पशन लिखाएंगे कि हमने फ्लोटेशन कॉस्ट इशू प्राइस पे लिए या फिर फेस वैल्यू पे लिए। जो डिवेंचर का प्राइस होना चाहिए, अभी डिवेंचर भी आएगा, फिर प्रीफरेंस शेयर आएगा, फिर इक्विटी आएगा, जो डिवेंचर का प्राइस होना चाहिए वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होना चाहिए। होता क्या है, जैसे मान लीजिए डिवेंचर आपने इशू किया है 1 जनवरी को, ठीक है जी, और 31 दिसंबर को इसका इंटरेस्ट पे होता है। तो मान लीजिए डिवेंचर की जो मार्केट प्राइस है वो 102 रुपये है और पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो 12 रुपये बन रहा है। तो होता क्या है, अगर आप 31 तारीख से पहले इसको बेचोगे, मान लीजिए मैं 30 तारीख को इसे बेचूँ तो इसका मार्केट में प्राइस 114 होगा। रीजन इसके जो भी इसको खरीदेगा 31 तारीख को जिसके भी पास होगा उसे 12 रुपए का इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो अगर डिवेंचर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो उसमें से पहले इंटरेस्ट को स्प्लिट करके हटा दीजिए। हमें जो नेट प्रोसीड या मार्केट वैल्यू चाहिए वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट चाहिए। ऐसे ही अगर इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस की बात की जाएगी तो इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इक्विटी डिविडेंड होना चाहिए। प्रीफरेंस शेयर की बात की जाएगी तो प्रीफरेंस शेयर का मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग प्रीफरेंस डिविडेंड होना चाहिए। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डेट और प्रीफरेंस शेयर्स में कोई भी फर्क नहीं है, बस एक तो 1 माइनस टैक्स हट जाएगा इंटरेस्ट के सामने से क्योंकि प्रीफरेंस शेयर को पेमेंट होती है आफ्टर टैक्स। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रीफरेंस शेयर्स के अंदर कोई जीरो कूपन बॉन्ड टाइप चीज आपको नहीं मिलेगी, तो प्रीफरेंस शेयर के अंदर कोई जीरो कूपन बॉन्ड टाइप नहीं होता और इसके अंदर बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इररिडीमेबल, रिडीमेबल, इन लमसम, इंस्टॉलमेंट, आपका आफ्टर टैक्स होता है तो 1 माइनस टी नहीं लगेगा। इंटरेस्ट की जगह यहाँ पर प्रीफरेंस डिविडेंड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास इररिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर, तो इररिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर में वहां पर होता था आई, यहाँ पर हो जाएगा PT/NP, 1 माइनस टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर आई की जगह PD हो गया, RV - NP/N, डिनोमिनेटर में RV + NP/2 × 100। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू में YTM मेथड लगाते हैं तो सिंपली 2 रेट निकालो और IRR से कैलकुलेट कर दो L NPVL - NPVH और यहाँ पर डिफरेंस इन रेट H - L। अगर हम रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर इंस्टॉलमेंट में बात करते हैं तो सिर्फ एक ही मेथड है, IRR मेथड। तो हमारे पास रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स के केस में PD/NP × 100 लमसम में अप्रोक्सीमेशन और YTM मेथड, और इंस्टॉलमेंट में सिर्फ YTM मेथड रहेगा। फॉर्मूले हर चीज सेम है, सिर्फ इंटरेस्ट की जगह PD हो जाएगा और 1 माइनस टैक्स एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास आते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के अंदर डिविडेंड प्राइस, अर्निंग प्राइस, ग्रोथ अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड और CAPM मॉडल, ये 5 हमारे पास मॉडल रहते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा एक तो एक ग्रोथ वाला और एक ये CAPM वाला एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है, बाकी अगर देखने के लिए मिल जाते हैं तो ठीक है, फ्री के नंबर आपके हो जाएंगे। सबसे पहला है डिविडेंड प्राइस या डिविडेंड यील्ड अप्रोच। ये कहता है KE = D/P0 × 100। यहाँ D का मतलब है डिविडेंड, ठीक है। इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती, यहाँ पर ये मानते हैं कि हमारा जो डिविडेंड है वो कांस्टेंट डिविडेंड है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। तो जो भी आप डिविडेंड देने वाले हैं और जो आपने पीछे डिविडेंड दिया है वो सेम होगा। अगर आपने 10 रुपये का डिविडेंड लास्ट ईयर दिया तो आगे भी आप 10 रुपये देंगे, जिंदगी भर आप 10 रुपये ही डिविडेंड देते रहेंगे, कांस्टेंट डिविडेंड। तो डिविडेंड डिवाइड बाई P0 × 100। अर्निंग प्राइस या अर्निंग यील्ड मेथड कहता है कि आप डिविडेंड की जगह EPS को रखो, तो डिविडेंड यहाँ पर है DPS, D का मतलब DPS, यहाँ पर EPS रखो आप, अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाई P0 × 100 और आपके पास KE आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। बड़ा सिंपल है, डिविडेंड डिवाइड बाई P0 × 100, दूसरा EPS डिवाइड बाई P0 × 100। इसके बाद में हमारे पास आता है ग्रोथ मेथड या फिर गॉर्डन मॉडल। सेम यही मॉडल आपको डिविडेंड डिसीजन में भी देखने के लिए मिलेगा। ये मॉडल कहता है KE = D1 डिवाइड बाई P0 + G रखो और यहाँ D1 का मतलब है कि क्वेश्चन के अंदर आपके पास ग्रोथ होगी, तो अगर आपने पहले डिविडेंड 10 रुपये दिया है लास्ट ईयर और ग्रोथ है 5%, तो अब 5% ग्रोथ बढ़कर 10.50 का डिविडेंड आप आगे दोगे। तो 10 रुपये अगर D0 था तो 10 रुपये 50 पैसे D1 बनेगा। तो यहाँ पर आपको D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G लेना है। D1 निकलेगा कैसे? जो भी आपका D0 है, मान लीजिए 10 रुपये, उसमें 1 प्लस ग्रोथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 प्लस ग्रोथ का रेट है यहाँ पे 5%। तो अगर मैं 10 रुपये को 1 प्लस ग्रोथ से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 10.50 आ जाएगा। ये मेरा D1 हो जाएगा। D1 का मतलब एक्सपेक्टेड या फिर कमिंग डिविडेंड। तो KE में D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G हम रखेंगे। क्वेश्चन में D1 की जगह पर आप D01 प्लस जी भी रख सकते हो, क्योंकि D1 का मतलब D01 प्लस जी ही है। तो आप ऊपर D1 या फिर D01 प्लस जी में से कुछ भी रख सकते हो। कई बार बच्चा कंफ्यूज भी होता है कि सर कब हमें D1 रखना है, कब D01 प्लस जी रखना है। दोनों का एक ही मतलब है। आप ऊपर D1 रखिए या D01 प्लस जी रखिए, दोनों का एक ही मतलब है। तो ग्रोथ मॉडल के अंदर हमारे पास ये रहेगा। इसके बाद में अगर D1 पूछा जाए तो D01 प्लस जी, P0 का मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, G का मतलब ग्रोथ रेट। ओके, अब हमारे पास अगर क्वेश्चन में फ्रेश इशू कहा जाता है इक्विटी शेयर का कि हम नया इशू कर रहे हैं, फ्रेश इशू कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में P0 नहीं लिया जाता बल्कि नेट प्रोसीड ली जाती है। P0 का मतलब है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो अगर नए शेयर की बात होगी तो आप फ्रेश इशू के केस में P0 यानी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर की जगह पर नेट प्रोसीड लेंगे। तो अगर एग्जिस्टिंग या ओल्ड शेयर है तो P0 और न्यू शेयर है तो नेट प्रोसीड। कई बार नए शेयर में नेट प्रोसीड के लिए लिया जाता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, P0 माइनस F। तो फिर आप डिनोमिनेटर में क्या लेंगे? जैसे यही फॉर्मूला है आपका, तो D1 डिवाइड बाई P0 था, उसकी जगह आप कर देंगे P0 माइनस F प्लस G। ये आपका KE निकल जाएगा नए शेयर्स का। अब आजकल क्या देखा जा रहा है स्टडी मैट के अंदर, RTP में, MTP में 3-4 अटेम्प्ट से चल रहा है कि अगर क्वेश्चन ने आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दी हुई है तो आप नया शेयर मान के ही क्वेश्चन करें। यानी अगर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप के ई का फॉर्मूला D1 डिवाइडेड बाई P0 माइनस F ही लेंगे। ये आजकल RTP, MTP और स्टडी मॉड्यूल तीनों चीज़ों में चेंज हुआ है। तो अगर एग्जाम के अंदर आपको इक्विटी शेयर के साथ में डिविडेंड मॉडल में फ्लोटेशन कॉस्ट दी जाए तो आप P0 माइनस F ही लेना, चाहे उसमें नए शेयर के बारे में ना भी लिखा हो। अब हमारे पास इसके बाद में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट, हाँ, फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में ना बताए तो इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू विचेवर हायर पे लेंगे। इक्विटी शेयर का प्राइस एक्स डिविडेंड होना चाहिए, उसमें डिविडेंड नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। फिर हमारे पास आता है ग्रोथ कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन आपको कह देगा कि भाई आज से 5 साल पहले 10 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड दिया था और 5 साल बाद अभी हमने 13 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पर ये आपने कब दिया था? T0 पर। ये कब दिया है? TN पे। 5 साल का डिफरेंस है ना, T5। ऐसे क्वेश्चन बता देगा। तो सिंपली जो हमारे पास इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है वही ग्रोथ का फॉर्मूला बन जाएगा कि भाई आपके पास 13 रुपीज़ हो गए 10.7 से बढ़ के कितने साल में? 5 साल में -1। तो जो सिंपल आपके पास फॉर्मूला IRR का चला आ रहा है, 1 पॉइंट इनफ्लो 1 पॉइंट आउटफ्लो, या जिसे आप कहते हैं कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट में I कैसे निकालते हैं, वही ग्रोथ का फॉर्मूला है। मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर कोई चीज़ एक पीरियड पर खर्च हुई या रिसीव हुई और उसके बाद एक लंबे पीरियड के बाद किसी एक सिंगल पॉइंट पर उसका रिवर्स हुआ, जैसे मान लीजिए शुरू में आपने पैसा खर्च किया, 5 साल बाद पैसा मिला है, या फिर किसी के अंदर ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है और उसके 2 पीरियड की आपको डेट दे दी गई, तो हमेशा यही IRR का या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला I का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा कि 5 साल बाद इतने रुपए हो गए हैं, 5 साल पहले इतने रुपए थे, तो 5 साल बाद हो गए हैं जी 13, 5 साल पहले कितने थे? 10.7। यहाँ पर 5 रखेंगे और -1 कर देंगे ग्रोथ के लिए। एक ग्रोथ का दूसरा फॉर्मूला होता है, गॉर्डन साहब ने इसको बताया हुआ है, ये हमारे को डिविडेंड डिसीजन में भी देखने के लिए मिलेगा, B × R। यहाँ पर R का मतलब रहता है रेट ऑफ रिटर्न, जो भी कंपनी कमा रही है इसको आप यहाँ पर ROE भी बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी कमा रही है। और B का मतलब होता है रिटेंशन रेशो, आप कितने अपने EPS के हिस्से को बिजनेस में रिटेन करते हो। मान लीजिए हमारा ROE है 20% और हम बिजनेस में अपना 60% पैसा रिटेन करते हैं, तो 60% मल्टीप्लाई बाई 20% हमारे पास 12% की ग्रोथ रेट आ जाएगा। तो जी निकालने के लिए बी इंटू आर को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा जब दो परसेंटेज एक साथ मल्टीप्लाई होती हैं तो 60 मल्टीप्लाई बाई 20 फिर परसेंटेज का बटन दबाएंगे। परसेंटेज का बटन फिर 21 बार दबता है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो इससे आसान तरीका आपके लिए रहेगा कि आप इसको परसेंटेज में ना लिख के डेसिमल्स में लिखें। जैसे ये 0.6 और ये 0.2, तो यहाँ पर 0.12 आ जाएगा। 0.12 का मतलब 12% हो गया। ओके, इसके बाद आता है रियलाइज यील्ड अप्रोच। रियलाइज यील्ड अप्रोच में आपको पूरी कहानी बताएगा। वो कहेगा कि हमने शेयर इतने का खरीदा था, हमें इतना डिविडेंड मिला, लास्ट में हमने इतने का बेच दिया। तो सिंपली उसका IRR निकाल लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। IRR ही वहाँ पर KI बन जाएगा। फिर हमारे पास आता है CAPM मॉडल। CAPM मॉडल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के नाम से फेमस है। ये मॉडल कहता है कि KE इक्वल्स टू एक होती है रिस्क फ्री रिटर्न। जैसे मान लीजिए रिस्क फ्री रिटर्न है 10%, तो आप जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बोला जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बॉन्ड्स में अगर आप पैसे लगाते हो तो 10% रिटर्न मिलेगी, तो रिस्क फ्री रिटर्न हो गई आपकी, ठीक है। प्लस आपने लगाए हैं इक्विटी शेयर में, तो आपके पास में रिटर्न ज़्यादा आनी चाहिए। इसे बोलते हैं RM माइनस RF। ये RM का मतलब है मार्केट की एवरेज रिटर्न कितनी है, एवरेज मार्केट रिटर्न। RF का मतलब आपको पता है रिस्क फ्री। इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है रिस्क प्रीमियम, कि भाई रिस्क प्रीमियम कितना है। तो जैसे मान लीजिए एवरेज रिटर्न 15% है मार्केट में और रिस्क फ्री है 10%, तो अगर आप चाहो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स खरीदो, 10% रिटर्न आपको मिल जाएगी। लेकिन आपने इक्विटी शेयर में पैसा लगाया है तो आपको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा ऑन एन एवरेज। यहाँ पर एवरेज मार्केट रिटर्न ली जाती है। तो कहा गया कि बीटा फैक्टर आपके रिस्क को बताएगा। तो बीटा यहाँ पर आपको निकालना नहीं है, बीटा निकालने की कोई जरूरत नहीं, बीटा क्वेश्चन में निकला हुआ मिलेगा। फाइनल के अंदर बीटा निकालना भी पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको बीटा लिखा हुआ मिलेगा कि बीटा फैक्टर हमारा इतना है। तो बीटा फैक्टर दिखाता है आपकी कंपनी कितना रिस्क ले रही है। तो बीटा फैक्टर 1 से ऊपर या 1 से कम हो सकता है। तो जैसे मान लो 0.8 है बीटा फैक्टर, तो आपके पास 10% प्लस 5% का प्रीमियम है। आपने 80% रिस्क लिया है, इसका मतलब है 0.8 का मतलब 80% रिस्क लिया है, तो आपको 4% प्रीमियम मिलेगा, तो आपका KI 14% हो जाएगा। अच्छा, इसी की जगह अगर आपने 1.5 रिस्क लिया है तो आपके पास 15 और 10 का डिफरेंस 5%, 5% मल्टीप्लाई 1.5 ये हो जाएगा 7.5, तो फिर आपके पास 17.5% रिटर्न आ जाएगी। डेटा सब कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा। ओके, इसके बाद हमारे पास आएगी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बहुत ही सिंपल है, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो KR इक्वल्स टू KE, कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों में। जितना KR होता है उतना KE होता है। कई क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, पर्सनल टैक्स दे देगा, तो आप क्या करेंगे, KR इक्वल्स टू KE 1 माइनस पर्सनल टैक्स। कई क्वेश्चन में आपको पर्सनल टैक्स के साथ फ्लोटेशन कॉस्ट दे देगा। इस फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब आपके लिए ये नहीं है कि हमारे को अगर हम शेयर इशू करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे तो कितना खर्च होगा। यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब आपके लिए होगा कि इन्वेस्टर अगर बाजार में इन्वेस्ट करता है, जैसे मान लीजिए कंपनी 1 लाख रुपए का डिविडेंड देती है इन्वेस्टर को, ठीक है, वो बाजार में इन्वेस्ट करता है, 10% रिटर्न आती है, 10,000 रुपये आ गए। इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट या ब्रोकरेज या कमीशन कुछ चला जाता है 20%, तो 2,000 का कमीशन ब्रोकरेज चला गया, तो उसके पास कितना बचा, 8,000। तो इसका मतलब 8,000 रुपये मिल रहे हैं उसको 1 लाख रुपए पर, तो 8% की रिटर्न उसे मिल रही है। ये KR बन जाएगा। कैसे बनता है ये, कि भाई आपका रिटर्न मार्केट में कितनी आ रही थी, 10%, फ्लोटेशन कॉस्ट उस 10% की कट गई, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 10% यहाँ पर वो बोलेगा KE के लिए, और फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई 0.2, तो आपके पास 8% KR की रिटर्न आ जाएगी। वो क्वेश्चन आपको जब दिखेगा समझ में आ जाएगा कि कैसे कह रहा है। तो हमारे पास जनरली जो आपको मिलेगा वो मिलेगा KR इक्वल्स टू KE, और आपके पास में दूसरा अगर पर्सनल टैक्स हो तो KR इक्वल्स टू KE 1 माइनस पर्सनल टैक्स, और अगर आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट भी दी जाए तो KE 1 माइनस पर्सनल टैक्स और 1 माइनस F कर देंगे अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दी जाए तो, ठीक है। इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब भी KR सोल्व करेंगे तो KR में KE का ही फॉर्मूला आप लिखेंगे। तो जस्ट फॉर्मूला था D1 + G डिवाइड बाई P0, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला हो और फ्लोटेशन कॉस्ट दी जाए तो आप ये मान लेना कि नया शेयर है, तो नए शेयर के केस में PO माइनस F करते थे आप। आपको ध्यान रखना है KR के केस में PO माइनस F नहीं होगा, P0 का मतलब P0 ही रहेगा। तो आपको P0 ही लेना है, उसमें माइनस एफ नहीं करना। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि हमारा जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो 10 रुपये है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर P0 हमारा 50 रुपये है, ग्रोथ रेट हमारा 12% है, और आपके पास इन्होंने कह दिया कि हमारा जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो फ्लोटेशन कॉस्ट हमारी 3 रुपये है। तो अगर हमसे कहा जाए के ई निकालो तो हम करेंगे D1, आपके पास आ गया D1 10 रुपये, ग्रोथ रेट आपके पास 12%, और डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे 50 माइनस 3। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दी है तो RTP MTP सजेस्टेड आंसर आजकल क्या कर रहे हैं, हम ये मानेंगे नया शेयर इशू हो रहा है, ओके। और इसी का अगर क्वेश्चन कहता है KR निकालो तो 10 डिवाइड बाई 50 प्लस 12% ऐसे रहेगा, इस तरह से चलेगा। अब बच्चे दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि सर आपने भी कहा था कि फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पर दी होगी तो यहाँ पर 1 माइनस एफ करना है। वो क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो बताता हूँ। क्वेश्चन आपको कहेगा कि मार्केट की एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर कहेगा जो पर्सनल टैक्स है वो पर्सनल टैक्स आजकल चल रहा है 30%, और मार्केट की इनकम पर जो फ्लोटेशन कॉस्ट या एक्सपेंस ब्रोकरेज वगैरह खर्च हो जाती है वो खर्च हो जाती है 20%। अब आपसे कहेगा KR निकालो तो आप क्या करेंगे, मार्केट की एक्सपेक्टेड रिटर्न उठा लेंगे, इस पर पर्सनल टैक्स लगाएंगे और जो फ्लोटेशन कॉस्ट है उसे भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास 10 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.8 5.6% KR निकल कर आ जाएगा। तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट पर्सनल टैक्स के साथ जब मार्केट में रिटर्न दी हो तब काम करेगी, और ये वाली फ्लोटेशन कॉस्ट अमाउंट में दी जाएगी जब डिविडेंड मॉडल होगा कि 10 रुपये का डिविडेंड है, 50 रुपये का MPS है, ये पूरी कहानी अलग है। तो ये डिविडेंड मॉडल की ग्रोथ है, सॉरी ये डिविडेंड मॉडल के अंदर आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट है, और KR के लिए जो कहानी बताएगा वो फ्लोटेशन कॉस्ट ऐसे देगा, मार्केट की रिटर्न इतनी है, पर्सनल टैक्स इतना है, फ्लोटेशन कॉस्ट इतनी है। तो ऐसा क्वेश्चन RTP में 2-3 बार आ भी चुका है। बाकी नॉर्मली KR = KE ही एग्जामिनर आपको बोलकर आगे बढ़ जाता है, ओके। इसके बाद में हमारे पास आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुछ नहीं करना, जब आपके पास KE KD KP KR सब निकल गए उनका वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालिए और काम खत्म हो जाएगा। वेटेड एवरेज निकालते हुए 2 तरीके के वेट लिए जा सकते हैं, एक आपके पास लिया जा सकता है मार्केट वैल्यू वेट और एक आपके पास लिया जा सकता है बुक वैल्यू वेट। तो बुक वैल्यू वेट के अंदर क्या होता है, जो इनकी फेस वैल्यू दी होती है बैलेंस शीट में उसके बेसिस पे वेट बनाते हैं, और मार्केट वैल्यू के अंदर क्या करते हैं, इनकी बुक वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं और मार्केट वैल्यू के बेस पे वेट बनाते हैं। जब मार्केट वैल्यू के बेसिस पर आप वेट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो इक्विटी है उसकी तो मार्केट वैल्यू होती है, लेकिन जो रिटेन्ड अर्निंग है उसकी मार्केट वैल्यू होती है 0। तो क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा कि इक्विटी की मार्केट वैल्यू है, रिटेन्ड अर्निंग की नहीं है। जैसे मान लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास 10 लाख है, रिटेन्ड अर्निंग भी हमारे पास ये 5 लाख है, ठीक है, ये बुक वैल्यू है। अब मार्केट वैल्यू में इसने कहा कि इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू 20 लाख है और रिटेन्ड अर्निंग की 0 है। तो आप अगर मार्केट वैल्यू वेट पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं तो आप जो मार्केट वैल्यू इक्विटी की है उसको इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग में इनके बुक वैल्यू के रेशो में बांट देंगे, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आप इस तरह से निकालेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आप निकालेंगे 20 लाख की मार्केट वैल्यू है 10/15 और यहाँ पर लेंगे 5/15, इनकी बुक वैल्यू के रेशो में पहले आप इनकी मार्केट वैल्यू को निकाल लेंगे। ये आ गया 13.33 लाख और यह आ जाएगा 6.67 लाख। फिर इस वेट के ऊपर आप इनका जो KE और KR होगा वो अप्लाई कर देंगे, फिर WACC हमारे पास निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक होती है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि कोई भी पुराना लोन, कोई भी पुराना इक्विटी, कोई भी पुराना डिवेंचर इग्नोर मारो और जो नया पैसा मंगवा रहे हो सिर्फ उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। मान लो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है, 10% डेट है 5 लाख के, इसका जो KE है वो 18% है और इसका जो KD है वो 12% है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कहता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो अगर हम न्यू डेट इशू कर रहे हैं 7% वाला 5 लाख का, और हम न्यू प्रीफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं 12% के रेट से और 5 लाख रुपए के, और कहता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। तो मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात होगी तो ये पुराने वालों को इग्नोर करिए, जो नए डेट इशू हो रहा है, नया प्रीफरेंस शेयर, सिर्फ उसकी निकालिए। 7% और 12% है। 7% 5 लाख पर, टोटल 10 लाख है, और 12% भी 5 लाख पर, टोटल 10 लाख है। तो 12×7=19, ये हो गया 9.5% मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अगर कहे कि इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इन सबको ले लेंगे, तो आ जाएगा 10 लाख रुपए 18% से, 5 लाख रुपए 12% से, 7% से 5 लाख और 12% से 5 लाख। फिर इन चारों को कंसीडर करके निकालेंगे। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल फंड्स को लेकर चलती है, मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ न्यू फंड्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। ये हमारे पास सारे जो भी मेथड्स है, KE KD KR KP वो सब, और आपके WACC वगैरह सब कुछ आ गया। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसके क्वेश्चन। मैंने जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो यहाँ पर रख लिए हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, BBQ 65 ये जीरो कूपन बॉन्ड का क्वेश्चन है। आप लोग कैलकुलेटर लेकर बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से निकालेंगे। IDBI इशू जीरो इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू 1 लाख, ईच इशूड एट 2500, रीपेबल आफ्टर 25 ईयर्स। 1 लाख रुपए आपको वापस मिलेंगे। 25 रुपये अब लगाओ, तो 1 लाख डिवाइड बाई 2500। यहाँ पर अंडर रूट में कितने साल बाद मिलेंगे, 25 साल बाद, -1। इसको अब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.91%। सिंपल फॉर्मूला है, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। ओके, अ कंपनी इशूड BBQ 66, अ कंपनी इशूड 10,000 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ 100 ईच। ओके, 100 रुपये का इशू किया है, 15% इंटरेस्ट का रेट है, विद अ मैच्योरिटी ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल बाद ये मैच्योर होगा। एट मैच्योरिटी द डिवेंचर होल्डर विल हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर। तो डिवेंचर होल्डर चाहें तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं डिवेंचर को। अगर कन्वर्ट नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, तो रिडीम हो जाएगा, 100 रुपये ले जाओ, तो कन्वर्ट करवा सकते हैं। कह रहे हैं कंपनी शेयर्स ऑफ द कंपनी इन रेशो 1:10, दैट इज 10 शेयर्स फॉर ईच डिवेंचर। एक डिवेंचर के बदले में आपको 10 शेयर मिल जाएंगे। अच्छा जी, करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 12 रुपीज। आज हमारे पास एक इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस 12 है, आज T0 है। आज से 5 साल बाद, एंड हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर्स आर 5% पर एनम। ग्रोथ रेट है 5% पर एनम। तो 5 साल बाद इस शेयर्स का प्राइस कितना होगा, सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा। तो अभी कितने का है, 12 रुपये का। 5 साल के बाद कितना होगा, 5% से सीधे ले लो, 12 रुपये प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, 15.32 ये इसका प्राइस होगा। ओके जी, अब हमारे पास 15.32 का प्राइस होगा। एक डिवेंचर पर 10 शेयर मिलने थे, अगर हम 10 शेयर देंगे तो 153.20 के आसपास आपके पास कन्वर्जन वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि डिवेंचर होल्डर को करना क्या चाहिए। उसे 5 साल के बाद 100 रुपये लेकर चले जाना चाहिए, या उसको कन्वर्ट करवा लेना चाहिए। तो कन्वर्ट करवाने में फ़ायदा है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि आपको ये चेक करना होगा। मान लीजिए यहीं पर ये वैल्यू निकल कर आ जाती है कि 90 रुपये मिलेंगे, तो फिर डिवेंचर होल्डर अपने डिवेंचर को रिडीम करवाएगा, वो 100 रुपये लेगा और चला जाएगा, वो कन्वर्ट करवाने के चक्कर में नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या लाइन लिखी होती है, एट द मैच्योरिटी डिवेंचर होल्डर विल हैव द ऑप्शन। ये ऑप्शन है उनके पास, यानी वो चाहे तो कन्वर्ट करवा सकते हैं, चाहे तो अपने पैसे लेके जा सकते हैं। तो या तो 100 रुपये ले जाओ या 153 के शेयर्स ले। तो भाई 153 के शेयर्स लेना कोई भी प्रीफर करेगा। अब इसकी कन्वर्जन वैल्यू कितनी हो गई, 153 आ गया जी, 153। अब आगे कह रहे हैं कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एज्यूमिंग 35% टैक्स रेट। तो डिवेंचर के कन्वर्जन की कॉस्ट निकालिए, KD निकालिए, 35% टैक्स रेट है। अब मुझे बताइए सिंपल तरीका कौन सा होता है, एप्रोक्सीमेशन मेथड। तो एग्जाम में एप्रोक्सीमेशन मेथड आप लगा कर आएंगे। यहाँ पर मैंने दोनों तरीके से निकाल दिया है, ऑल्टरनेटिव वन, जिससे आपका हाथ सेट हो जाए। सबसे पहले KD आ गया, I (1 - टैक्स), RV - NP / N, RV + NP / 2 × 100, 15 रुपये का इंटरेस्ट, 35% टैक्स, 153 मिलेंगे। 100 रुपये में इशू किया है, 5 साल के बाद, नीचे एवरेज वैल्यू ले ली, और हमारे पास 16.09% रेट आ गया आपके पास एप्रोक्सीमेशन से। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इसको YTM मेथड या IRR मेथड भी बोला जाता है, इससे निकालेंगे तो मैं आपको बताता हूँ 16.09 आ रहा है, तो आप ये मानकर चलिए इसके आसपास ही निकलेगा वाईटीएम से। तो एक रेट आप 1-2% नीचे ले लो, 1-2% रेट ऊपर ले लो। तो एक रेट ले लिया 15, एक रेट ले लिया 20। वैसे जो आप रेट ले सकते थे वो ले सकते थे, एक 14 ले लो, एक 18 ले लो, 2% ऊपर 2% नीचे। तो ज़्यादा करीबी मामला होता है, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आता है, पर एग्जाम में फ्री है आपके लिए, आप जो भी दो रेट लोगे चलेगा। लेकिन रेट बहुत ज़्यादा गैप के मत ले लेना कि 10-20% का गैप ले लिया, कोशिश करिएगा कि 4-5% का गैप हो टोटल। ओके, अब जीरो ईयर पर क्या हुआ, 100 रुपये चले गए, ठीक है जी। तो 100 रुपये चले गए, 100 रुपये चले गए। 1 साल से लेकर 5 साल तक 15 रुपये का इंटरेस्ट 35% टैक्स काट कर आपको मिलेगा। तो 15 रुपये माइनस 35% 9.75 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंटरेस्ट आ गया जी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इसके बाद में 5th ईयर पर आपको 153 रुपीज मिल जाएंगे, ठीक है जी, इसकी वैल्यू आ गई। पॉजिटिव एनपीवी आ गया, नेगेटिव एनपीवी आ गया। लोअर रेट कितना, 15%। पॉजिटिव एनपीवी रखिए, एनपीवी लोअर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 5% का डिफरेंस है। 17.43 आपका आंसर आ गया। इस तरह से निकालना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो आप कैसे निकालेंगे, साइलेंट रहेगा तो आप एप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालिएगा, वाईटीएम की कोई नीड नहीं है। क्वेश्चन कहे वाईटीएम ही लगाओ तभी वाईटीएम लगाइएगा। बीबीक्यू 67, आरबीएमएल इज प्रपोजिंग टू सेल अ 5-year बॉन्ड ऑफ 5,000 एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो 5 साल का बॉन्ड है, 5,000 इसकी फेस वैल्यू है, 8% इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। द बॉन्ड अमाउंट विल बी अमोर्टाइज इक्वली ओवर इट्स लाइफ। तो ये इंस्टॉलमेंट में रीपे होगा, यानी कि 5,000 का बॉन्ड है, फेस वैल्यू 5 साल की लाइफ है, तो हर साल 1,000 रुपये हम रिडीम करेंगे। ओके, कह रहे हैं व्हाट इज द बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू। बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इफ फॉर एन इन्वेस्टर इफ ही एक्सपेक्ट अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न 6% पर एनम। तो अगर सामने वाला 6% की रिटर्न चाहता है तो उसके लिए बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब वो इससे फ्यूचर में जो भी बेनिफिट मिलने वाले हैं उसको 6% के रेट से डिस्काउंट करेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं 1st ईयर की, तो 5,000 रुपये पूरा बॉन्ड है, 8% इंटरेस्ट 400 रुपये प्लस 1,000 रुपये रिडेम्पशन वैल्यू 1,400 रुपीज इसको मिल जाएंगे। ओके, 2nd ईयर में अब आपकी वैल्यू कितनी रह जाएगी बॉन्ड की, 4,000 रुपये के बॉन्ड रह जाएंगे, 1,000 तो रिडीम हो गया। अब 4,000 रुपये का 8% इंटरेस्ट मिलेगा प्लस 1,000 रुपये रिडेम्पशन वैल्यू मिल जाएगी, 1,320 मिल जाएगा। इसके बाद 3rd ईयर में आपके पास में 3,000 का बॉन्ड रह गया, 8% से 240 का इंटरेस्ट हो गया और 1,000 आपकी रिडेम्पशन वैल्यू 1,240 आ गया। 4th ईयर में आपके पास 2,000 की वैल्यू बची बॉन्ड की, 8% इंटरेस्ट से आ गया प्लस 1,000 का आपका रिडेम्पशन 1,160 आ गया। और 5th ईयर में आपके पास 1,000 रुपये का बॉन्ड बचा था, 8% से 80 रुपये इंटरेस्ट, 1,000 रुपये उन्होंने और वापस दे दिए और आपके पास पूरा काम खत्म हो गया। अब इसको आप डिस्काउंट रेट ले लीजिए। डिस्काउंट रेट आप 6% से इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेकर निकाल दीजिए। तो हमारे पास 1.06 डिवाइड बाई इक्वल टू ये हमारे पास 0.943, 0.8899 और जी 0.8396, चलो कोई बात नहीं, 0.792 और 0.747। इससे डिस्काउंट कर लीजिए, डिस्काउंटेड कैश फ्लो आएगा। जो भी डिस्काउंटेड कैश फ्लो आएगा उसको टोटल कर लीजिए, वही होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। के इन्वेस्टर के लिए बॉन्ड की आज की डेट में क्या कीमत है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है फ्यूचर में मिलने वाले बेनिफिट्स को अपने डिस्काउंट रेट से करंट पर लेकर आना। तो हमारे पास यहाँ पर हमने निकाल लिया 1,400, 1,320 इतना इतना मिलेगा। 6% से इसको डिस्काउंट कर दिया। डिस्काउंट करने में या तो पावर लगाकर डिनोमिनेटर में रख लो या फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल कर मल्टीप्लाई कर दो। वैल्यू निकल कर आ गई 5,262। तो इन्वेस्टर के लिए 52,262 का बॉन्ड है आज की डेट में। अगर इन्वेस्टर को ये 5,000 में मिल जाता है तो उसका फायदा है, 5,100 में भी मिल जाता है तो भी फायदा है। तो आपको अब समझ में आएगा कि मार्केट वैल्यू किसी चीज़ की कैसे ज़्यादा या कम होती है। बेसिकली हर इन्वेस्टर प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर देखता है। अगर प्रेजेंट वैल्यू इसकी मान लीजिए 4,800 आ जाए तो इन्वेस्टर इस 5,000 के बॉन्ड के 4,800 से ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन अब इन्वेस्टर इसके कितने दे सकता है, 52,262 तक वो दे देगा कि इतने तक मेरे को एक्सेप्टेबल है। तो ये बॉन्ड जनरली प्रीमियम पर इशू होना चाहिए। BBQ 68 ये है रियलाइज यील्ड अप्रोच का इक्विटी शेयर का क्वेश्चन। मिस्टर मेहरा हैड परचेज अ शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर 1000, 1000 का शेयर परचेज किया उन्होंने। पूरी कहानी बताएगा क्या क्या हुआ। तो 1000 रुपये इनकी जेब से चले गए। ही रिसीव डिविडेंड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%। तो 1000 का 10% यानी 100 रुपये का डिविडेंड अगले 5 साल तक मिला। तो स्टार्टिंग में 1000 गए, फिर 100 रुपये अगले 5 साल तक मिलते रहे। एट द एंड ऑफ 5th ईयर ही सोल्ड द शेयर एट 1112। लास्ट में 1112 उनको और रिसीव हो गए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर रियलाइज यील्ड अप्रोच। इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने इसके 2 रेट कैसे लिए हैं। तो 2 रेट लेने का सिंपल तरीका इसमें क्या रहेगा, जो रेट ऑफ डिविडेंड होना उसके आसपास ले लीजिए आप, क्योंकि वही मेन आपका फायदा रहेगा इसमें। तो जैसे 10 है तो आप एक ले लो 9%, एक ले लो 13%, 12% ऐसे कुछ। तो इन्होंने एक 11 और एक 13 लिया है, इसके बीच में आ गया ये। लेकिन आपको जैसे 10% का रेट है तो एक 10% से लोअर रेट ले लो और 5% उसमें बढ़ा देना। तो जैसे 10 से नीचे मान लो आपने 8 ले लिया तो दूसरा 13 ले लेना, आपने 9% ले लिया तो दूसरा 14% ले लेना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 2 रेट ले लिए। शुरू में 1000 रुपये गए, फिर 100 रुपये अगले 5 साल तक आए, फिर 1128 लास्ट में आ गए। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपके पास IRR लगाइए, यही KE की वैल्यू हो गई। इसी को कहते हैं रियलाइज यील्ड अप्रोच। जो एक्चुअल में मिला वो निकाल दो, तो IRR निकालना होता है। इसके बाद में हमारे पास है BBQ 69। JC लिमिटेड इज प्लानिंग एन इक्विटी इशू इन करंट ईयर। ये इशू करने का प्लान कर रहे हैं। ओके, इट हैज एन EPS ऑफ 20 रुपीज, ठीक है जी, EPS 20 रुपये है, and proposed to pay 60% dividend at the end of current year. Propose का मतलब है अभी dividend दिया जाना है। तो 20 रुपये का 60% कितना हो गया, 12 रुपये। ये हमारे पास D1 हो गया कि 12 रुपये का dividend अभी expected है at the current year and with a PE ratio of 6.25। PE ratio 6.25 दे दिया। PE ratio का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर, ठीक है। इट वॉन्ट्स टू ऑफर द इशू एट मार्केट प्राइस। द फ्लोटेशन कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड 4% ऑफ इशू प्राइस। इशू प्राइस का 4% हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट चली जाएगी। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिफोर द इशू एंड आफ्टर द इशू। तो सबसे पहले इशू करने से पहले क्या आपका KE है, तो KE एग्जिस्टिंग और यहां पर KE न्यू। तो यहां पर क्लियर बता दिया कि KE 2 तरीके का चाहिए, नए वाला और एग्जिस्टिंग वाला। तो एग्जिस्टिंग वाले में तो D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G ले लेंगे, और जो नए वाला होगा उसमें D1 डिवाइडेड बाई P0 माइनस F प्लस G लेंगे। ये हमारे पास इसके फॉर्मूले रहेंगे। तो हमारे पास इन्होंने P0 यानी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर नहीं बताया। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बड़ा सिंपल है, PE दिया हुआ है और EPS दिया हुआ है। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इक्वल टू PE मल्टीप्लाई बाई EPS। तो हमारे पास कितना हो गया, 6.25 मल्टीप्लाई बाई 20, 125 रुपये का हो गया। ओके, तो हमारे पास करंट मार्केट प्राइस हो गया 125 रुपये, ठीक है। अब हमारे पास जो हम नया शेयर इशू करेंगे उस पर 4% की फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी। तो 125 का 4%, 5 रुपये। 5 रुपये हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई। तो जो नया शेयर इशू करेंगे उसमें हम रखेंगे 125 माइनस 5 यानी 120 रुपये, और जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसके अंदर हम रखेंगे पूरे 125 रुपये, ठीक है। हमारे पास इसके बाद में ग्रोथ निकालनी है। तो ग्रोथ निकालने के लिए हमारे को चाहिए, क्वेश्चन ने यहाँ पर G नहीं दिया और हमें रिटेंशन रेशो दिया हुआ है कि 60% हम पे कर रहे हैं, यानी हम रिटेन कितना कर रहे हैं, B×R निकालना होता है हमें ग्रोथ के लिए। ग्रोथ इक्वल टू B×R। तो B में हमारे पास आ गया 40% हम रिटेन कर रहे हैं, रीजन 60% आप पे कर रहे हो। अब हमें निकालना है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए हम 1 डिवाइड बाई PE कर सकते हैं। कि सर ये कौन सा फॉर्मूला है, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी शेयर की कमाई डिवाइड बाई इक्विटी शेयर का फंड। तो EPS डिवाइडेड बाई MPS अगर हम रखते हैं तो हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है कि इतने रुपए का शेयर है और उस पर आपने इतनी कमाई करी है। अब जो PE रेशो होता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है। अगर मैं 1 डिवाइड बाई PE कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई MPS डिवाइडेड बाई ईपीएस। अब ईपीएस ऊपर चला जाएगा 1/PE इक्वल टू ईपीएस ऊपर चला गया और एमपीएस नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। अब देखिए ईपीएस डिवाइड बाई एमपीएस ही रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है, तो पी जो होता है वो उसका उल्टा होता है, तो 1/PE कर देंगे तो आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको पी दिया हुआ है, अगर पी दिया हुआ नहीं होता तो आपको निकालना पड़ता। तो यहाँ पर 1/PE रेशो है हमारे पास 6.25, ये आ गया 1/6.25, 0.16 और 16%। तो आपका जो आर है वो 16% है, 40% आप रिटेन करते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ गया 6.4%, ये आपका ग्रोथ रेट हो गया। ओके, अब हमें निकालना है यहाँ पर, ये आ गया जी रेट ग्रोथ सब आ गया। अब हमारे पास के ई बिफोर इशू, नया शेयर इशू करने से पहले D1/P0 प्लस जी, 12 रुपये का हो गया डिविडेंड, 125 रुपये ले लिए, ग्रोथ रेट ले लिया 16%। और आफ्टर इशू यानी नया शेयर इशू कर दिया तो P0 - F लेना है, तो P0 - F में 125 - 5 120 रुपये आपके आ जाएंगे, तो 12/120 रुपये प्लस 6.4, 16.4% आपकी रिटर्न आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है WACC के, तो जनरली जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आएगा उसमें पूरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही आपसे पूछी जाएगी। द फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ साइमन कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 1998। इक्विटी शेयर 10,000 शेयर्स हैं, 10 लाख रुपए टोटल वैल्यू है। प्रीफरेंस शेयर 4 लाख के हैं और डिवेंचर 6 लाख के हैं। मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर इज 110, P0 आ गया। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर वुड बी डिक्लेयर्ड, D1 आ गया। ग्रोथ रेट 6, G आ गया। तो सबसे पहले हमारे पास के ई निकल गया, D1/P0 प्लस जी 15.09। इसके बाद में क्वेश्चन ने पहली रिक्वायरमेंट दी है, इफ द कंपनी इज इन 50% टैक्स ब्रैकेट कंप्यूट WACC। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन दी ना, प्रीफरेंस के बारे में कुछ कहा ना डिवेंचर के, तो प्रीफरेंस के बारे में अगर कुछ नहीं बोला तो KP इक्वल टू 10% का रेट है, सीधे 10% आ जाएगा, बात खत्म, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। और आफ्टर टैक्स होता है, इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। डिवेंचर के बारे में कुछ नहीं बोला तो KD इक्वल टू इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, बस इसको आफ्टर टैक्स बनाना पड़ेगा। तो 12% इंटरेस्ट है, 50% टैक्स है, ये आपके पास 6% आ जाएगा। तो हमारे पास KP और KD, KP में सीधे आ गया 10%, KD में हमारे पास 6% आ गया। अब WACC निकालना है, तो आपके पास में KE से एक तो होता है पूरा स्टेटमेंट बनाकर करो, एक दूसरा तरीका होता है KEWE प्लस KPWP KDWD, तो स्टेटमेंट बनाकर भी कर सकते हैं, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर उतने ही मिलने हैं, तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, जैसे आपने सीखा है आप वैसे बनाइएगा। तो हमारे पास KE आ गया 15.09, वेट कितना है 10 लाख आउट ऑफ 20 लाख, तो आप 1/2 भी लिख सकते हो, इसको 10/20 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे 10/20 लिखा है हमने, जिससे क्लियर रहे। दूसरा फिर 10% हो गया प्रीफरेंस शेयर्स 4/20, ये आ गया 4/20, और फिर 6% 6/20 हो गया डिवेंचर, ये रेट हमारे पास निकल कर आ गया। इसमें क्वेश्चन दूसरा पॉइंट भी हमेशा पूछेगा, 5 मार्क्स से ऊपर नहीं आएगा, पहले 10 नंबर में आता था ये, पर ये आसान इतना या 5 नंबर में आता है, रिपीट बहुत होता है क्वेश्चन। एज्यूमिंग दैट इन ऑर्डर टू फाइनेंस एन एक्सपेंशन प्लान द कंपनी 1 मिनट, हाँ जी, Assuming that in order to finance an expansion plan, the company intend to borrow a fund of 10 lakh bearing 14% rate of interest. अब एक नया लोन और आ रहा है 14% के रेट से, ठीक है जी, और 10 लाख रुपए का लोन आएगा ये। अब टोटल पैसा कितना हो जाएगा 30 लाख, अब 30 लाख रुपए हमारे पास टोटल हो जाएंगे। कह रहे हैं what will be the company revised WACC? दिस फाइनेंसिंग डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज डिविडेंड 10 to 12, अब हमारा D1 हो गया जी 12 रुपीज। ओके, हाउ एवर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम 100 टू 105, तो अब हमें नया KE निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास नया KE आ गया D1/P0 12/105, और ये आ गया 17.43, तो अब 10 लाख रुपये पर हमारे पास हो गया सीधा 17.43%, 10 लाख आउट ऑफ 30 लाख। प्रीफरेंस शेयर ऐसे कैसे रहेंगे, तो प्रीफरेंस शेयर का रहेगा 10% 4 लाख आउट ऑफ 30 लाख, 12% डिवेंचर का 6% हो रखा था, तो 6% इंटू 6 लाख बाई 30 लाख। और अब ये नया और जुड़ जाएगा, 14% इसका रेट है, 50% टैक्स, तो 1 माइनस टैक्स करेंगे 7% हो जाएगा, तो 7% मल्टीप्लाई बाई 10 लाख आउट ऑफ 30 लाख। इन सबको जोड़ लीजिए और WACC आपके पास निकल जाएगी। तो रिवाइड WACC 17.43 10/10, प्रीफ्रेंस 10% से 4/30, पुराना डेट 6% से 6/30 और नया डेट 7% से 10/30, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल कर आ गई। BBQ 71, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें एक पॉइंट और भी होता है, वो पॉइंट अलग से ही बताऊंगा मैं आपको। फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन ऑफ TT लिमिटेड, अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज, डिविडेंड पर शेयर 6 रुपीज। एक तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जो डिविडेंड पर शेयर यहाँ पर लिखा होता है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत आता है कि सर डिविडेंड पर शेयर लिखा है, बताया नहीं D1 मानूं या D0 मानूं। तो इसका सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं आपको। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप D0 मानो, और डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में अगर आपको दिक्कत हो, सेम चीज मिलेगी, सेम चीज बिल्कुल, वहां D1 मानो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अच्छा कन्फ्यूजन का मतलब है कि आप क्लियर नहीं है कि D0 मानूं या D1 मानूं। मान लीजिए लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या होता है भाई? एक्सपेक्टेड डिविडेंड तो D1 होता है। अच्छा लास्ट ईयर डिविडेंड, लास्ट ईयर डिविडेंड क्या होता है, या डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड क्या होता है, ये सब तो D0 होते हैं। क्लियर तब नहीं होता है, जैसे लिखा है डिविडेंड पर शेयर 6 रुपये, अब वो एक्सपेक्टेड है या पेड है नहीं पता। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमेशा जब भी कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में सजेस्टेड आंसर D0 से दे देते हैं, और आपके पास एजम्पशन उसमें लिखी होती है, आप D0 एंड D1 मानोगे, नंबर दोनों पे मिलेंगे आपको, पर फिर भी सजेस्टेड है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में D0 मानो। और डिविडेंड डिसीजन चैप्टर आएगा, वहां पर D1 मानकर जनरली सजेस्टेड आंसर आते हैं। तो ये जनरल वो बता रहा हूं मैं, वैसे आप जो भी एजम्पशन लेंगे उस पर नंबर आपको मिल जाते हैं। ओके, अर्निंग पर शेयर 10 रुपये है, डिविडेंड पर शेयर 6 है, तो 0 मानेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, इसको D0 हो गया। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 6% है, करंट मार्केट प्राइस 120 रुपये है, तो ये हो गया हमारे पास D0, ये हो गया G और ये हो गया P0। टैक्स रेट 30% है, रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल फंड आई है 30 लाख। ओके, कह रहे हैं 30 लाख की हमारे पास फंड्स की रिक्वायरमेंट है, डेट इक्विटी रेशो 2:1 रहेगा, तो 30 लाख चाहिए। डेट और इक्विटी 2:1 में पैसा मंगवाएंगे, यानी डेट से मंगवाओगे 20 लाख, इक्विटी से मंगवाओगे 10 लाख रुपए। ओके, कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट 0 से 5 लाख 10% रहेगी, तो पहले जो आपके 5 लाख हैं वो 10% पे आएंगे, उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक 9% रहेगा। इसका मतलब अगले जो आपके 10 लाख होंगे, सॉरी 5 लाख रुपए, वो आपके 9% के रेट से आएंगे। उसके बाद में कह रहे हैं 10 लाख से ऊपर 8%, तो बचे 10 लाख रुपए और इस पर 8% रहेगा, तो 20 लाख रुपए जो आएंगे उसमें पहले 5 लाख रुपए 10% से, अगले 5 लाख 9% से, अगले 10 लाख 8% से रहेंगे। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो रिजर्वेंट सरप्लस अवेलेबल, कोई रिजर्वेंट सरप्लस नहीं है। कुछ क्वेश्चन में इसकी जगह लिख देता है कि 4 लाख का रिजर्व है, अगर 4 लाख का रिजर्व बोल दे तो रिजर्व से आ जाएंगे 4 लाख रुपए, और इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करनी पड़ेगी 6 लाख रुपए की। इस तरह से हो जाएगा, रिजर्व नहीं है तो बात यहीं पर खत्म हो गई, अब सारा पैसा इक्विटी से ही मंगवाना पड़ेगा। तो 20 लाख और 10 लाख सबसे पहले कहता है पैटर्न बता दो, तो पैटर्न में आप सिंपली बता देंगे कि भाई 30 लाख जो है उसमें 20 लाख डेट से आएगा, 10 लाख इक्विटी से आएगा। जो डेट से 20 लाख आएगा उसमें पहले 5 लाख 10%, अगले 5 लाख 9% और उसके बाद में 10 लाख 8% से आ जाएंगे। रिजर्व आपके पास है नहीं, तो इक्विटी का 10 लाख सारा का सारा इक्विटी शेयर इशू करके आएगा। इसी में 10 में से मान लीजिए 4 लाख का रिजर्व होता तो लिखते कि इक्विटी के 10 में से 4 लाख रुपए रिजर्व से और 6 लाख रुपए शेयर कैपिटल इशू कर आएंगे। ओके, इसके बाद में कह रहा है पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, डेट की एवरेज कॉस्ट बतानी है आपको। तो यहां पर क्वेश्चन में टैक्स का रेट हमें दिया हुआ है 30%। देखिए हमारे पास 5 लाख और 10 लाख, ये 10% से है, ये 9% से, ये 8% से। सबसे पहले तो आप इनके रेट निकाल लीजिए आफ्टर टैक्स कितने होंगे। तो आफ्टर टैक्स इनके रेट हमारे पास 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा पहले 5 लाख का 7% हो गया, उसके बाद हो गया 6.3 और 5.6%। ठीक है, अब ये कहता है इनकी एवरेज कॉस्ट निकाल दो, तो इनकी एवरेज कॉस्ट निकालने के दो तरीके रहते हैं। एक तो ये है 7% आ रहा है 5 लाख से, पूरा पैसा 20 लाख है। 6.3% आ रहा है 5 लाख से, पूरा पैसा 20 लाख है। और 5.6% आ रहा है 10 लाख से, पूरा पैसा 20 लाख है, बस इसको निकाल दीजिए, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका ये रहता है कि 7% देना है 5 लाख पे, 6.3% देना है 5 लाख पे, 5.6 देना है 10 लाख पे, टोटल जोड़ दो कितना है और 20 लाख से डिवाइड कर दो। तो ये तरीका ज़्यादा आसान रहता है। अगर आपको वैसे निकालना ये भी कर सकते हैं। इसमें क्या आएगा 35,000 रुपये और ये आ गया 6.3 मल्टीप्लाई 5 लाख 31,500 और ये हो गया 56,000। तीनों को जोड़ लीजिए 56,000 31,500 35,000 122,500 दिया है हमने कितने पर 20 लाख के फंड पर, तो डिवाइड बाई 20 लाख 6.125% आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो जैसे आपका मन करे कर सकते हैं, नंबर दोनों पे पूरे मिल जाएंगे। यहाँ पर आ गया 6.125%। इसके बाद में कह रहा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत सिंपल है, आपके पास D0 है, G है और P0 है। आ जाइए यहाँ पर K=D1 रखना है, तो इन्होंने 6 को D0 माना है, 1 प्लस ग्रोथ उसमें ऐड कर दिया, डिवाइड बाई 120 ग्रोथ रेट। ये आपका इक्विटी की वैल्यू आ गई। इसके बाद कह रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दो। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा सिंपल है, आप एवरेज KD निकाल चुके हैं 6.125, तो 6.125% देना है 20 लाख पर, टोटल पैसा 30 लाख चाहिए और इक्विटी 11.3% है। 11.3% इक्विटी को देना है 10 लाख पर आउट ऑफ 30 लाख। वैल्यू आपके पास WACC की निकल जाएगी। ये हमारे पास WACC की वैल्यू KEWE KDWD यहाँ पर आ गया 7.85% आ जाएगा। ओके, यहाँ पर एजम्पशन लिखी हुई है DPS D0 माना है, आप एजम्पशन लेके D1 मान सकते हैं, फिर भी मैं बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप लोग D0 मान के चलिएगा जब भी डिविडेंड में कंफ्यूज हो। और डिविडेंड डिसीजन चैप्टर का अगर क्वेश्चन आता है वहाँ D1 लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम एजम्पशन जो ICI लेके चलता है वो मैच कर जाएगी, आंसर एक्यूरेट मैच कर जाएगा। आप अपनी एजम्पशन लेके भी लिख कर आते हैं तो उस पर भी आपको नंबर मिलते हैं, इसमें नंबर मिलते हैं, इसमें नंबर कटते नहीं है इस वाले पॉइंट पर। BBQ 72 एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ अ लार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी यूजिंग बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट वैल्यू वेट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर योर पर्सनल हाँ, कह रहे हैं द कंपनी प्रेजेंट बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। बुक वैल्यू बता रहा है डिवेंचर 100 रुपये का एक है, 8 लाख रुपए टोटल, प्रीफरेंस शेयर 100 रुपये का एक है, 2 लाख रुपए टोटल, इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक है, टोटल 10 लाख रुपए। हमें बुक वैल्यू वेट जो लेने हैं उसमें हम ये 8, 2 और 10 लेंगे। इसके बाद में नीचे बता रहा है कि इनकी मार्केट वैल्यू क्या क्या है। कह रहा है डिवेंचर 110 रुपये का है, तो 100 रुपये वाला डिवेंचर 110 रुपये का है, तो इसकी मार्केट वैल्यू डिवेंचर की 8.8 लाख हो जाएगी, 10% ज़्यादा है। प्रीफरेंस शेयर 120 रुपये का है, 100 रुपये वाला 120, 20% ऊपर हो गया, तो ये 2.4 लाख हो जाएगा। इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला 22 रुपये का है, तो 10 लाख रुपए, 10 रुपये का एक शेयर है, 1 लाख शेयर हो गए, एक शेयर 22 रुपये का बिक रहा है, तो ये 22 लाख की यहाँ पर कैपिटल आपकी आ जाएगी। तो मार्केट वैल्यू वेट आप ये वाले लेंगे, बुक वैल्यू वेट आपके पास ये वाले दिए गए हैं। KE, KP और KD, 3 चीज़ें अब हमें और चाहिए, KD, KP और KE। वो तीनों सेम रहेंगे चाहे बुक वैल्यू वेट लो या मार्केट वैल्यू रेट। कई बार बच्चे कंफ्यूज होता है कि सर हम बुक वैल्यू से निकाल रहे हैं तो हम KE में मार्केट प्राइस क्यों ले रहे हैं, सर हम KD में क्यों ले रहे हैं। बच्चों KE, KD, KP और KR इनको निकालते हो आपको ये नहीं सोचना कि WACC बुक वैल्यू से निकलेगी या मार्केट वैल्यू से, वो किसी से भी निकले। KD, KE, KR और KP आप नॉर्मल तरीके से जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। ये दोनों चीज़ें बच्चा मिक्स करने की कोशिश करता है, सोचना नहीं है। तो खैर हमारे पास सबसे पहली इंफॉर्मेशन 100 रुपीज पर डिवेंचर रिडीमेबल एट पार, रिडेम्पशन वैल्यू पार पर है, 11% कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट 11% है, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट है यानी इशू नेट प्रोसीड जब निकालेंगे आप तो इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंस आपको लेना है। 10 ईयर्स मैच्योरिटी के हैं तो N आ गया 10 साल। सेल प्राइस 100 रुपये, 100 रुपये में इशू है तो 100 रुपये में इशू हुआ। इशू एक्सपेंस 4% था, 4 रुपये का इशू एक्सपेंस हो गया। 96 की नेट प्रोसीड है इसकी। रिडेम्पशन वैल्यू पार है यानी 100 रुपये है और आपका 11% रेट है, ठीक है, 10 साल की लाइफ है। तो KD हमारे पास आ गया, इंटरेस्ट रेट 11 रुपये, टैक्स रेट आ गया 100 रुपये, रिडेम्पशन वैल्यू 96 हमें कटकटाकर मिला है, 10 साल की लाइफ यहाँ पर डिनोमिनेटर, ये आपका KD निकल कर आ गया। इसके बाद में प्रीफरेंस शेयर के लिए कह रहे हैं वो 100 रुपये का है, रिडीमेबल पार पे है तो रिडेम्पशन वैल्यू 100 रुपये हो गई। 12% का डिविडेंड रेट है, PD हो गया 12% यानी 12 रुपये, इस पर 1 माइनस टैक्स नहीं लगेगा। 5% फ्लोटेशन कॉस्ट है, लाइफ 10 साल की है, सेल प्राइस 100 रुपये है, तो 100 रुपये में 5 रुपये गए। ये 95 के नेट प्रोसीड के साथ चलेगा, ये 95 के नेट प्रोसीड के साथ आ गया, ठीक है जी। इसके बाद में इक्विटी शेयर के लिए कह रहे हैं कि 2 रुपये की फ्लोटेशन कॉस्ट है, सेल प्राइस 22 रुपये है, ठीक है। और डिविडेंड कितना दिया जाएगा, डिविडेंड इक्विटी डिविडेंड के लिए, अच्छा यहाँ पर इन एडिशन द एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹2 पर शेयर एंड ग्रोथ रेट 7%। तो D1 आ गया हमारे पास 2 रुपये, 7% हो गया ग्रोथ। के कैसे निकालेंगे, 2 रुपये डिवाइड बाई, अब मुझे क्वेश्चन में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दी गई है तो मैं आपको बता दूं ICI क्या कर रहा है। ICI के अंदर अगर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट लिखी हुई मिल जाए तो आप P0 माइनस F ही करिएगा, आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है। तो हमारे पास P0 हो गया 22 रुपये माइनस 2 रुपये फ्लोटेशन कॉस्ट कर देंगे, ग्रोथ रेट 7%, 17% आपके पास के ही आ जाएगा, ये आगे 17%। P0 माइनस F रखिएगा, फिर दिमाग मत लगाइएगा एग्जिस्टिंग शेयर है नया, तो अगर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दिखती है तो P0 में से माइनस जरूर करिए बस। इसके बाद में WACC से निकाल देंगे, काम खत्म। 73 कह रहे हैं WACC निकालो बुक वैल्यू से और मार्केट वैल्यू से। ओके जी, यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया, डिविडेंड सॉरी डिवेंचर, प्रीफ्रेंस और इक्विटी 5, 5, 10, ये इनकी बुक वैल्यू आ गई। अब साथ में मार्केट वैल्यू रख लेते हैं। 100 रुपये वाला डिवेंचर 105 में 5,25,000 हो गया, 5% बढ़ा हुआ है। प्रीफ्रेंस शेयर 110 रुपये में 100 रुपये वाला 10% बढ़ा हुआ है, तो 550 हो गया। इक्विटी शेयर 10 वाला 24 में, तो 10 लाख 24 लाख बन गए सीधे। ये हमारे पास तीनों की आ गई मार्केट वैल्यू। तो बुक वैल्यू वेट में ये रेशो रहेगा, मार्केट वैल्यू वेट में ये वाला रेशो रहेगा। KD, KP और KR के लिए कुछ नहीं सोचना, वो सिंपल तरीके से निकलेंगे और वो दोनों में सेम रहेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं ₹100 पर डिवेंचर एट रिडीमेबल एट पार, आरवी हो गया 100 रुपये। ओके, 10% कूपन रेट है तो 10 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। 4% फ्लोटेशन कॉस्ट है तो इशू प्राइस में से 4% माइनस कर देंगे। इसके बाद में कह रहे हैं 10 साल की मैच्योरिटी है, N आ गया। मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर 105 रुपये इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। 100 रुपये का प्रीफ्रेंस शेयर रिडीमेबल एट पार, रिडेम्पशन वैल्यू आ गई, डिविडेंड का रेट आ गया, फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई, 10 साल की लाइफ आ गई। इक्विटी शेयर हैज ₹4 फ्लोटेशन कॉस्ट, मार्केट प्राइस 24, तो इक्विटी शेयर में P0 माइनस F रखेंगे, उसमें हम 24 माइनस 4 रुपीज रखकर चलेंगे। ओके, नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड ₹1 है, ये D1 हो गया, ग्रोथ रेट 5% है, G आ गई। इसके बाद में फर्म हैज प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30%, यूज YTM मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एंड प्रीफरेंस शेयर। ये यहाँ पर मेन पॉइंट है। अब आपको एक चीज सिखाता हूँ मैं, देखो अगर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन मेथड से होता है, अगर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन मेथड से होता है तो एक एजम्पशन ICI लेकर चलता है। वो एजम्पशन क्या है जरा देखिए, डिवेंचर रिडीमेबल है एट पार, यानी रिडेम्पशन वैल्यू इसकी 100 रुपये। अब हमें इशू प्राइस इसका नहीं दिया, मार्केट प्राइस 105 बताया पर इशू प्राइस हमें नहीं दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, इशू प्राइस की जगह हमेशा मार्केट प्राइस इस्तेमाल कर लेते हैं, जनरल ट्रेंड रहता है। तो ICI का कहना यह रहता है हमेशा, अगर आप अप्रोक्सीमेशन मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं, इशू प्राइस आपको एज्यूम करना है तो आपको एजम्पशन लेनी है, तो इशू प्राइस कभी भी रिडेम्पशन वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि मुझे बताइए, मैं आपको बोलूं कि आज तुम मुझे 105 रुपये दो और मैं तुम्हें बाद में 100 रुपये वापस दूंगा, तो आप मुझे 105 रुपये क्यों दोगे? अगर मैं आपसे बोलूँ 105 रुपये दो तो मैं तुम्हें 100 रुपये वापस दूंगा 10 साल बाद, तो तुम कहोगे भाई मैं तुम्हें 105 क्यों दूँ, तुम तो वापस ही में 100 रुपये दे रहे हो। तो एक जनरल एजम्पशन ICI ये लेके चलता है कि इशू प्राइस अगर आपको एज्यूम करना है तो आप रिडेम्पशन वैल्यू के बराबर या उससे कम करेंगे। तो यहाँ पर इशू प्राइस 105 की जगह पे 100 रुपये रहेगा, ठीक है। तो 100 रुपये हम इशू प्राइस लेकर चलेंगे, अदरवाइज हम क्या लेते, मार्केट प्राइस, ठीक है। ये जो रूल है, ये रूल सिर्फ अप्रोक्सीमेशन मेथड पे अप्लाई होता है। क्वेश्चन ने कह दिया YTM मेथड लगाना है, तो YTM मेथड लगाना है तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो आपका मार्केट प्राइस है उसे इशू प्राइस मानेंगे। तो फिर से बताता हूँ, हम हमेशा क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है तो मार्केट प्राइस को ही इशू प्राइस मान लेते हैं, ठीक है। साइलेंट होता है तो मार्केट प्राइस को ही इशू प्राइस मान लेते हैं, ये जनरल ट्रेंड रहता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन मेथड कहता है कि इशू प्राइस आप जो भी एज्यूम करने जा रहे हो वो रिडेम्पशन वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एज पर अप्रोक्सीमेशन मेथड इशू प्राइस 100 रुपए से ऊपर नहीं हो सकता था, तो हम 105 नहीं लेते यहाँ पर। लेकिन YTM मेथड है तो ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाना। तो हमारा जनरल रूल क्या रहेगा? जनरल रूल रहेगा इशू प्राइस मार्केट प्राइस ले लो, मार्केट प्राइस को इशू प्राइस लेके चलो। बस एक इसमें एक्सेप्शन है, अगर अप्रोक्सीमेशन मेथड से आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आप एज्यूम कर रहे हैं इशू प्राइस अपनी तरफ से, तो ध्यान रखिए कि वो रिडेम्पशन वैल्यू से ज्यादा ना हो। दैट्स इट। ओके, तो अगर यही क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से होता तो मैं इसे 105 को इशू प्राइस नहीं लेता, लेकिन अब ले लेंगे। अब जरा देखिए, अप्रोक्सीमेशन से करना है, 105 रुपये इशू प्राइस, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट के चले गए, तो यहाँ पर आपके पास में शुरू में पैसा चला गया। फिर 10 रुपये आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट अगले 10 साल तक आता रहेगा और लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू 100 रुपये आपको मिल जाएगी। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पर निकालिए 6.89 आ गया। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ₹100 पर प्रीफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार, आरवी हो गई ₹100, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट है 2%, इंटरेस्ट रेट इस पर जो प्रीफरेंस डिविडेंड रहेगा वो 5% है, 10 साल की मैच्योरिटी है। बस इतनी कहानी बताइए, बाकी कुछ नहीं बोला। इसके अंदर हमारा प्रीफरेंस शेयर का मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 110, तो हम इशू प्राइस 110 रुपये ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ गया 3% और 5% ले लिए हमने, 110 रुपये, 2% इस पर खर्च हो गए, ये हमारी जेब से पैसा गया। अब हमें अगले 10 साल तक 5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा और 10th ईयर पर 100 रुपये रिडेम्पशन के मिल जाएंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, IRR का फॉर्मूला लगाइए, आ गया हमारे पास। और के निकालते हुए बड़ा सिंपल सा, 1 रुपये का डिविडेंड 24 - 4, जब भी फ्लोटेशन कॉस्ट दी हो माइनस कर दीजिए P0 में से, ग्रोथ रेट ऐड करिए, आ गया। अब हमारे पास जो KE KD KP हैं ये 6.89, 6.89, 4.09, 10, ये सब जगह पर सेम रहेगा। बस ये जो वेट है ये बुक वैल्यू का है यहाँ पर, और यहाँ पर मार्केट वैल्यू का है। क्या सर हमें एग्जाम में स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा? आपकी मर्जी, आप स्टेटमेंट बनाना चाहें स्टेटमेंट बनाइए, वरना KE WE KP WP KD WD लिखकर भी कर सकते हैं, पूरे नंबर हैं। ओके, BBQ 74 बड़ा फेमस क्वेश्चन है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट। लो जी, फिर से बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट पे निकालना है। बुक वैल्यू ये दे दी, मार्केट वैल्यू ये दे दी। यहाँ पर इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग दोनों हैं, बुक वैल्यू दोनों की अलग अलग है, मार्केट वैल्यू सिर्फ इक्विटी की दी गई है। तो सबसे पहले हमें इक्विटी और रिजर्व की मार्केट वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये है 200 लाख, 2 करोड़ रुपए हैं। इक्विटी को कितने मिलेंगे? 12 और 30 के रेशो में बटेगा ये, तो 120 डिवाइड बाई 150, इक्विटी का हिस्सा आ गया 200 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाई 150, इक्विटी का हिस्सा आएगा 160 लाख और डेट का हिस्सा वो रिजर्व का हिस्सा आएगा 40 लाख। तो हमारे पास जब मार्केट वैल्यू वाला लेंगे, बुक वैल्यू में तो ये वैल्यू आ जाएगी वैल्यू, और जब आप लेंगे मार्केट वैल्यू वाला तो इक्विटी का 160, रिजर्व का 40 लाख, इसके बाद में डेट और प्रीफरेंस का जो बता रखा है ऐसे ही आ जाएगा। सबसे पहले वेट दिखाता हूँ आपको, बुक वैल्यू ऐसी आ गई, मार्केट वैल्यू देखिए, इक्विटी का 16, रिटेन अर्निंग का 40, बाकी दोनों की जो दी हुई है वो वैल्यू आ गई। ओके, अब क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 130 पर शेयर, कोटेड यानी मार्केट में कितने रुपए पर बिक रहे हैं 130। अ न्यू इशूड प्राइस इज 125 पर शेयर, जो नया इशू प्राइस है वो 125 रुपये है। विल बी फुल्ली सब्सक्राइब्ड, फ्लोटेशन कॉस्ट इज ₹5। तो जो नया शेयर है वो 125 में इशू किया है, फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपये। तो क्वेश्चन जब भी ये इन्फॉर्मेशन देगा हम ये मानेंगे ICI आजकल जो कर रहा है कि वो नया वाला शेयर ही आपका इशू हुआ है। तो KE के अंदर हमारे पास D1 डिवाइड बाई इशू हुआ था 125 में, 5 रुपये खर्च हो गए, ये निकलकर हमारे पास आ गया KE। इसके बाद में क्वेश्चन आपको कह रहा है डिविडेंड के बारे में, ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 ईयर्स डिविडेंड हैज स्टेडीली इंक्रीज फ्रॉम 10.6 टू 14.19 पर शेयर। डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 15, तो 15 हो गया D1। यहाँ पर इससे हमारे पास ग्रोथ निकल कर आएगी, 5 साल का डेटा है, 14.19 हो गया 10.60 से बढ़कर 5 साल में -1, ग्रोथ रेट आपके पास निकल आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्रोथ रेट 6% निकल गया, ₹15 D1 हो गया हमारे पास। ओके, इसके बाद में हमारे पास KR की वैल्यू हमें जब निकालनी है तो KR निकालते हुए हमें P0 रखना होता है, तब नए शेयर का कोई लेना देना नहीं है। तो हम D1 डिवाइड बाई P0 रखेंगे, हमारे पास किया गया KR D1 डिवाइड बाई P0 तो 130 रुपये रखेंगे, तब नए इशू वाला कोई सीन हमें नहीं लेना, +6%। ठीक है जी, ओके। इसके बाद में प्रीफरेंस शेयर्स की बात आ गई। 15% प्रीफरेंस शेयर्स हैं, 100 रुपये का शेयर 105 रुपये में इशू किया है, तो 15% का डिविडेंड 105 रुपये हमारे पास नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाई 100 KP निकल कर आ जाएगा। तो KP हमारे पास आ गया 15 रुपये का डिविडेंड 105 रुपये में इशू किया मल्टीप्लाई 100, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह नहीं दी गई। इसके बाद में कह रहे हैं डिवेंचर। डिवेंचर का इसमें बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट किसी और क्वेश्चन में मिक्स होकर आ सकता है। द कंपनी प्रपोज टू इशू 11 years 15% डिवेंचर बट यील्ड ऑन डिवेंचर ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लास इज 16%, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% और यहाँ दिया है फ्लोटेशन कॉस्ट फेस वैल्यू पे निकालना। ये अच्छा क्वेश्चन है, बात तो बता रहा है खुद। तो यहाँ पर ये जो एक पॉइंट है कि हमने 15% के रेट का डिवेंचर इशू किया है और मार्केट में जो डिवेंचर है सेम क्लास का वो 16% रिटर्न दे रहा है। अब आप एक बात बताइए, आपने 15% के रेट का डिवेंचर इशू किया है, दूसरे डिवेंचर 16% रिटर्न दे रहे हैं, तो आपका डिवेंचर कम रिटर्न दे रहा है, तो वो डिस्काउंट पर इशू होगा, वो कम प्राइस पर इशू होगा। तो इसे निकालना बड़ा सिंपल होता है, जैसे 100 रुपये का डिवेंचर है तो हम इसमें क्या रखते हैं कि इनका डिवेंचर कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है, 15% ऑफ 100 मान लीजिए 15 रुपये, और मार्केट में इंटरेस्ट का रेट कितना है 16, तो जो भी मार्केट का रेट है उससे डिवाइड कर दीजिए आप, तो 15 डिवाइड बाई 16% आपके पास इशू प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो आपका जो डिवेंचर है वो 93.75 में इशू होगा, 100 रुपये वाला फेस वैल्यू जिसकी 100 रुपये। अच्छा, यही अगर हमारा डिवेंचर मान लो मार्केट से ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा होता, जैसे मान लो 18% इंटरेस्ट दे रहा होता, तो 18% इंटरेस्ट देगा हमारा डिवेंचर, मार्केट में 16% मिलता है, तो 18 डिवाइड बाई 16%, फिर हमारा डिवेंचर 112 रुपये 50 पैसे पर इशू होता, प्रीमियम पर इशू होता। जब ज़्यादा इंटरेस्ट दोगे प्रीमियम पर इशू होगा, कम इंटरेस्ट दोगे डिस्काउंट पर इशू होगा। सिंपल सा तरीका होता है, जितना भी इंटरेस्ट आप दे रहे हो ऊपर रखो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मार्केट में जो रेट चल रहा है वो रखो, वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो हमारा इशू प्राइस निकल कर आएगा 93.75। क्वेश्चन ने यहाँ पर दिया हुआ है डिवेंचर। द कंपनी प्रपोज टू इशू 11 years, तो 11 साल तो हो गया N, 15% डिवेंचर, हम 15 रुपये का इंटरेस्ट देंगे, बट यील्ड ऑफ डिवेंचर ऑफ सिमिलर क्लास 16% है, तो इससे हमारे पास इशू प्राइस आ गया 93.75। फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है, 2 रुपये माइनस हो जाएंगे, फेस वैल्यू पे निकालनी थी, तो हमारी जो नेट प्रोसीड है वो 91.75 आएगी। 91.75 हमारी नेट प्रोसीड है, 11 साल की लाइफ है, रिडेम्पशन वैल्यू नहीं बताई तो रिडीम 100 रुपये में होगा, फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट दे दिया। अब यहाँ पर आपकी KD निकलेगा, 15 रुपये का इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, 100 रुपये पर रिडीम होगा, 91.75 आपको कट कटाकर मिले हैं, नीचे एवरेज वैल्यू रख दी। यहाँ पर कैसे आपका डिवेंचर की मार्केट वैल्यू सेट हुई है ये निकल कर आ गया। यहाँ पर ये कैसे बांटा है रिजर्व और इक्विटी में ये मेंशन कर दिया, बस बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू आपके पास वेट है, WACC आप निकाल लेंगे, ओके। इसके बाद में हमारे पास एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है, 10 नंबर में आ जाता है, इसका 1 या 2 हिस्सा 5 नंबर में भी आ सकते हैं, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसमें बच्चे कुछ उलझते भी हैं कि ये चीज़ कैसे आई है या क्या कहाँ पर क्या करना होगा। ABC Limited हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम ऑन 31 मार्च 2022। 14% डिवेंचर हैं 30,000 रुपये के, 11% प्रिफ्रेंस शेयर हैं 10,000 के, और इक्विटी शेयर हैं 1,60,000 के, 10,000 शेयर हैं इनके पास। तो एक तो आपको इसका टोटल करना होगा, ये हो गया 2 लाख रुपये। इस क्वेश्चन में आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बताया जाएगा कि इक्विटी, डेट और प्रीफरेंस से हम कितना पैसा मंगवा रहे हैं। तो जब आपको ये ना बताया जाए कि इक्विटी से, डेट से, प्रीफरेंस से कितना पैसा मंगवा रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो उनका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है सेम वही स्ट्रक्चर आगे भी फॉलो होगा। तो आप बताइए 2 लाख रुपये में 30,000 रुपये कितना हिस्सा हुआ, 15%, 2 लाख रुपये में 10,000 5%, और 2 लाख में 160 80%। इसका मतलब हमारा 80% फंडिंग इक्विटी से है, और हमारी 5% प्रीफरेंस है, और 15% डिवेंचर से है। तो हमने जो पैसा मंगवाया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, वो डिवेंचर से 15%, प्रीफरेंस से 5% और इक्विटी से 80% है। तो आगे ना क्वेश्चन में आपको बताएगा नहीं कि किस रेशो में मंगवा रहे हैं। तो अब अगर हमें 100 रुपये मंगवाने हैं तो हम 15 रुपये डिवेंचर से मंगवाएंगे, 5 रुपये प्रीफरेंस से और 80 रुपये इक्विटी से मंगवाएंगे। द कंपनी शेयर हैज करंट मार्केट प्राइस 23.60, expected dividend per share is in next year is 50% of 2021 EPS. तो 2021 का यहाँ पर EPS दिया हुआ है, इसका 50% एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, तो 1.18 ये हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी D1 बन गया. The EPS of last 10 years is given below. Past trend are expected to continue. तो अब आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल का वो दे दिया आपके पास डिविडेंड. ग्रोथ निकालनी है तो यहाँ पर आप ना ग्रोथ ऐसे निकाल सकते हो 2.36 डिवाइड बाई 1 कितने साल में भैया 10 साल में -1. एक तरीका तो ये है. दूसरा जब पूरे का पूरा डेटा दिया हो आपको एक एक साल का दिया हो तो आप किसी भी 2 ईयर के बीच में चेक कर लीजिए आपके पास ग्रोथ आ जाएगी. 1.10 हो गया 1 रुपये से बढ़कर 10 पैसे बढ़ गए 1 रुपये में, तो 1 रुपये में 10 पैसे बढ़ गए यानी ग्रोथ 10% है. 1 रुपये से 1 रुपये 10 पैसे हो गए तो 10 पैसे बढ़े हैं 1 रुपये पर 10% ग्रोथ आ गई सीधी. आप आगे भी चेक करेंगे ऐसे ही आएगा. 1.10 से 1.21 11 पैसे बढ़े हैं 1 रुपये 10 पैसे पर 10%. तो कोई भी एक की निकाल दीजिए ग्रोथ के ये आ गया और लिख दीजिए फर्दर ईयर्स में सेम इसी तरह से ग्रोथ निकली हुई है. ओके, अब कह रहे हैं कंपनी इशूड न्यू डिवेंचर कैरिंग 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड करंट मार्केट प्राइस 96, इनकम टैक्स रेट है 50%. ओके, क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है आपको न्यू डेट की कॉस्ट बतानी है. तो के डी इक्व टू 16% इंटरेस्ट है 16 रुपये 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड कितना है इसका 96 मल्टीप्लाई बाई 100. यह आ गया आपके पास 8 डिवाइड बाई 96% 8.33 KD निकल कर आ गया. इसके बाद में कह रहे हैं प्रीफरेंस शेयर 9.2 विद डिविडेंड ऑफ 1.1 पर शेयर ऑल्सो इशूड. हमने प्रीफरेंस शेयर भी इशू किए हैं. कह रहे हैं नए प्रीफरेंस शेयर जो इशू हैं उनकी कॉस्ट बता दो. तो KP इक्व टू PD कितना है 1.10 आपके पास में मार्केट वैल्यू 9.2 मल्टीप्लाई 100 ये निकल कर आ गया 1.1 डिवाइड बाई 9.2% 11.96%. ठीक है जी 8.33 11.96. इसके बाद में कह रहे हैं द कंपनी 50% टैक्स ब्रैकेट आगे कहानी बता रहा है. कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट निकाल दिया, प्रीफरेंस शेयर निकाल दिया. कह रहा है कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, नए शेयर भी हमारे को और न्यू इक्विटी शेयर की भी कॉस्ट बताइए. एज्यूमिंग न्यू इक्विटी कम्स फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, ये मानकर चलिए कि इक्विटी जो फंड आ रहा है नया, इक्विटी दो तरीके से आ सकता है पैसे को लेकर, या तो शेयर कैपिटल इशू कर दे या अपने पैसे को बिजनेस में रिटेन कर ले. तो कह रहे हैं कि आप ये मानिए न्यू इक्विटी रिटेन अर्निंग्स आ रही है, तो रिटेन अर्निंग्स आ रही है यानी के आर निकालना है मैं, के आर इक्व टू के ई. तो D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G. D1 हमारे पास आ गया 1.18 P0 आ गया 23.6 ग्रोथ रेट हमने निकाल लिया 10%. ये हमारे पास आ गया के आर यहाँ पर 15%. ठीक है जी. इसके बाद में कह रहे हैं सेकेंड पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ अगर नया शेयर इशू हमने नहीं किया तो. कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास के आर आ चुका है, के डी आ चुका है, के पी आ चुका है. के डी से कितना मंगवाओगे 15% पैसा, के पी से कितना मंगवाओगे 5% पैसा, और इक्विटी की फंडिंग रिजर्व से हो या इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हो उनसे 80% पैसा. तो ये फंडिंग हमारे पास आ गई 13.85% हमारी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल गई. इसके बाद में कह रहे हैं डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड एज्यूमिंग दैट रिटेन्ड अर्निंग फॉर नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट आर 50% ऑफ 2021. कह रहे हैं हमें नया शेयर अभी इशू नहीं करना और रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास 2021 की कमाई का 50% है. तो पहले तो 2021 की कमाई देखते हैं. 10,000 शेयर हैं, 2.36 हमने कमाया है 2.36, इसका मतलब 23,600 आपने कमाए. कह रहे हैं इसका 50% रिटेन्ड अर्निंग में है तो इसका मतलब 11,800 हमारे पास अवेलेबल है. ओके, इतनी रिटेन्ड अर्निंग है हमारे पास. कह रहे हैं अब हम इक्विटी शेयर को इशू नहीं करना चाहते तो बताइए कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो देखिए 15% पैसा डिवेंचर देते हैं, 5% पैसा प्रेफरेंस शेयर देते हैं, 80% पैसा इक्विटी से आता है. तो इक्विटी वालों की जो फंडिंग है वो नए शेयर इशू करके नहीं है, सारी रिटेन अर्निंग से. कोई बात नहीं, 11,800 की फंडिंग तो इक्विटी की तरफ से आ रही है और इक्विटी फंडिंग 80% है. इक्विटी का मतलब या तो कैपिटल इशू करो या रिटेन अर्निंग, दोनों का मतलब इक्विटी है। तो 11,800 रुपये हमारे पास हैं और हम फंडिंग करते हैं 80%, तो 14,750 की हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसमें 20% जो आएगा वो डेट और प्रीफ्रेंस लेकर आएंगे और 80% पैसा हम लेकर आ गए जो 11,800 है। तो हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं भैया? 14,750 हम स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद में कह रहा है कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल When the fund exceed the amount calculated in 3। ये जो थर्ड पॉइंट है, अगर आपको इससे ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे? इससे ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ जाए तो रिटेन अर्निंग तो ख़त्म हो गई, फिर हमें नया शेयर इशू करना पड़ेगा। तो नई इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे को रेज करनी पड़ेगी। कह रहे हैं एज्यूमिंग न्यू इक्विटी इशूड एट ₹20 पर शेयर, नया शेयर 20 रुपये में इशू होगा तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा नया केई। नए केई के अंदर हमारे पास D1 1.18 है, P0 नया वाला 20 रुपये हो गया हमारा। आप इसको नेट प्रोसीड भी लिख सकते हो, ग्रोथ आ गई तो 15.9 हो गई हमारी केई नए वाला। अब हमें निकालना है यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये जो नया वाला इक्विटी है इससे कितना पे फंडिंग 80%, जो डेट और प्रीफ्रेंस है, डेट और प्रीफ्रेंस इससे फंडिंग 15%, इससे फंडिंग 5%, तीनों को जोड़ दीजिए WACC आपके पास आ जाएगा। तो 8.33 डेट वाले 15% देंगे, 11.96 प्रीफ्रेंस वाले 5% और ये नई इक्विटी से जो आएगा 80% फंडिंग ये करेंगे। ये कब हो रहा है? जब हमारे थर्ड पॉइंट से मंगवाए गए पैसे ख़त्म हो गए और अब हमें उसके ज़्यादा पैसे चाहिए। थर्ड पॉइंट तक पैसा कहाँ से आ रहा था? रिटेन अर्निंग से आ रहा था। ओके, इसके बाद में हमारे पास है BBQ 76 कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ डी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 इज गिवन बिलो। इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, डिवेंचर 10 लाख। ओके, करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटीज ₹80 पर शेयर। कंपनी हैज पेड डिविडेंड 14.07, ये D0 है। 7 years अगो इट पेड डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 16, ये D1 हो गया। ग्रोथ के लिए क्या करेंगे? ग्रोथ के लिए 14.07 हो गया, 10 रुपये से बढ़कर 7 साल में -1, ये हमारे पास ग्रोथ आ जाएगी। तो हमारे पास ये आ गई ग्रोथ 5% और 16 रुपीज़ हमें दे दिया है D1। P0 हमारे पास 80 रुपये है, ग्रोथ हमारे पास आगे निकल कर हमारे पास KE निकल जाएगा पूरा का पूरा। D1 / P0 प्लस G, 16 का डिविडेंड एक्सपेक्टेड 80 रुपये, P0 ग्रोथ हमारे पास ही आ गई, 25% हमारे पास KE निकल गया। इसके बाद में कह रहे हैं सेकंड पॉइंट 8% प्रीफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर्स, तो N हो गया 5। प्रीफरेंस शेयर 100 रुपये का है, रिडेम्पशन वैल्यू हो गई 106 रुपये। करंट मार्केट प्राइस पर प्रीफरेंस शेयर इज 104, तो इशू प्राइस या नेट प्रोसीड जो हमारे पास है वो 104 हो जाएगी। इसके बाद में 12% डिवेंचर्स रिडीमेबल है 20% प्रीमियम, डिवेंचर 100 रुपये का है, 20% यानी 120 में रिडीम होगा आरवी। 10 साल बाद N आ गया। फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपये पर डिवेंचर है और डिवेंचर हमारे पास क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो 100 रुपये का हो गया, 5 रुपये, 95 इसका नेट प्रोसीड आ जाएगा। द कंपनी इज इन 40% टैक्स ब्रैकेट, यहाँ तक है। फर्स्ट नंबर पॉइंट WACC निकालिए बुक वैल्यू वेट से। अब हमारे पास ये आ गया KP 8 रुपये का डिविडेंड, 106 रिडेम्पशन, 104 हमने इशू प्राइस मान लिया। KD की बात करें तो 120 रुपये रिडेम्पशन, 95 हमारे पास नेट प्रोसीड आ गया, 100 रुपये में इशू करा, 5 रुपये फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास ये बुक वैल्यू के बेसिस पर WACC निकल गया। इसके बाद में क्वेश्चन ने कहा है इन ऑर्डर टू फाइनेंस एन एक्सपेंशन प्लान द कंपनी इंटेंड टू बोरो 15% लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 30 लाख। तो हमारे पास ये सब कुछ जो है इसमें अब 30 लाख रुपये का लोन और जुड़ने वाला है, 15% का उसका रेट होगा। ओके, दिस फाइनेंस डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 16 to 18। अब नया KE निकलेगा जिसमें 18 रुपये का डिविडेंड होगा। हाउएवर मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर डिक्लाइन 80 to 72, अब P0 72 हो जाएगा, ग्रोथ हमारी जो 5% थी वही रहेगी, 18 / 72। अब हमारे पास KE हो जाएगा 30%, ठीक है जी। कह रहे हैं आपको बताइए WACC कितनी होगी एक्सपेंशन प्रोग्राम के बाद। तो हमारे पास अब जो इक्विटी है उसका जो KE है वो 30 हो जाएगा, प्रीफरेंस शेयर और डिवेंचर हमने जो निकाले वही रहेंगे और जो नया लोन आया है उसका हम रेट निकाल देंगे, 1 - टैक्स है, 50% टैक्स है तो ये हमारे पास 7.5% आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई के ई रिवाइज 30%, के टी एल अच्छा 40% टैक्स है, 1 मिनट 40% टैक्स है, ये 0.4 हमारे पास आ जाएगा 9%। ओके, ये 9% आ गया। अब हमारे पास इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस, डिवेंचर और एक नया टर्म लोन और आ गया, इनकी के हमने निकाल रखी है, WCC निकल कर आ जाएगी। इसका काम खत्म। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरी तरीके से खत्म। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स थे वो हमने सारे देख लिए और WACC भी हमने सारा का सारा देख लिया। मुझे बताइए कितने बच्चों को मजा आ गया और बिल्कुल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्लियर हो गया? बेटा इक्विटी फंडिंग 80% है, तो इक्विटी शेयर से जो भी पैसा आपके पास आ रहा है 11,800 समथिंग, वो 80% ऑफ टोटल फंड का हुआ, तो टोटल फंड का 11% ही आपके पास आ सकता है। हाँ जी, थैंक यू सर इतना इजी बनाने के लिए, मस्त मौज आ गई। सर ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है? 5 to 10 मार्क्स का ये चैप्टर आता है, बिल्कुल एकदम सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल। अब हम लोग करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, लेकिन 10 मिनट का लेते हैं ब्रेक। कैपिटल स्ट्रक्चर में टाइम बहुत कम लगेगा, वो बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान चैप्टर। और ये ब्रेक ले लेते हैं हम। कैपिटल स्ट्रक्चर में टाइम बहुत ज़्यादा कम लगने वाला है, 6:56 हो रहे हैं। हम ले लेते हैं इसमें 10 मिनट का ब्रेक और 7:06 पर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इतने वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, उससे नंबर बढ़ेंगे आप लोगों के। ये क्वालिटी नेबुलाइजर क्या होता है? नाक वगैरह में डालना होता है कुछ? नेबुलाइजर क्या चीज होती है? नेबुलाइजर क्या होता है ये? नहीं, हमने तो कुछ भी ऐसा चालू नहीं किया। अच्छा, होती क्या चीज है ये? हाँ, हाँ जी, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल और आसान सा चैप्टर है, इसमें कुछ थ्योरी हैं, उनके बड़े बेसिक से न्यूमेरिकल होते हैं। एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल आता रहता है, 5 मार्क्स का अप्रोक्स आप इसको पकड़ के चलिए कि 5 मार्क्स अप्रोक्स इसका आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल जाएगा। हम लोग कर रहे हैं लाइव चैट को ऑफ और चालू करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर तो हमें पता है कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ फंड जो होता है, जैसे इक्विटी से, डेट से, प्रीफरेंस से किस रेशो में पैसा आया, तो 80, 20, 60, 30, 10 इस तरीके से। इसके ऊपर कुछ थ्योरी दी गई है कि भाई हमारे पास अगर हम पैसा डेट से मंगवाएं तो क्या होगा, इक्विटी से मंगवाएं तो क्या होगा। अलग अलग अपने टाइम की अलग अलग थ्योरी लिखी गई हैं, वो थ्योरीज और उनके न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसका एक हिस्सा है EBIT EPS एनालिसिस, जो हमने फर्स्ट चैप्टर बना रखा है, तो वो हमने तोड़कर अलग कर दिया, तो ये चैप्टर ऑटोमेटिकली और छोटा हो गया है। अब यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन्होंने बोला है थ्योरी लिखते हुए कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ 2 ही सोर्स हैं, इक्विटी और डेट। तो प्रीफरेंस शेयर्स आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसी के ऊपर सारी थ्योरी दी गई हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में कुछ हैं रेलिवेंस थ्योरी। रेलिवेंस थ्योरी कहती हैं कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करोगे, जैसे मेनली ये रहेगा कि डेट का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो आपकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो रेलिवेंस थ्योरी कहती है कि डेट प्रोपोर्शन को चेंज करने से आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बदल जाती है। रेलिवेंस थ्योरी में नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, 2 अप्रोच रहेंगी, 2 थ्योरी रहेंगी। इसके बाद रहती है इररेलिवेंस थ्योरी। इररेलिवेंस थ्योरी कहती है कि डेट के इस्तेमाल से मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म और इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें नेट ऑपरेटिंग इनकम NOI और मोदी, गिलानी एंड मिलर 2 अप्रोच रहती हैं, दोनों सेम हैं। मोदी, गिलानी एंड मिलर ने कुछ एजम्पशंस बस एक्स्ट्रा बता दिए हैं। इसके बाद में कुछ अदर थ्योरी हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ये जनरल ट्रेड ऑफ और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी हमारे पास रहेगी। सबसे पहली अप्रोच है हमारी नेट इनकम अप्रोच। ये अप्रोच कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस रेलिवेंट है, यानी अगर आप डेट इक्विटी के रेशो को बदलेंगे तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बदल जाएगी। NI अप्रोच के हिसाब से KD और KE कांस्टेंट रहेंगे, यानी आप डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाओ या कम करो, आपके पास KD और KE कांस्टेंट रहेगा। मान लो KD 15% है और KE 20% है, तो दोनों कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। KO डिक्रीज हो जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर आप डेट का इस्तेमाल करोगे तो। बेसिकली डेट सस्ता सोर्स है, सस्ते सोर्स का इस्तेमाल करोगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी अगर आप डेट का इस्तेमाल करते हो तो। इनका कहना है कि डेट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। डेट का इस्तेमाल करने से, क्योंकि वो चीप सोर्स है, आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी। ये काम किस तरीके से करता है वो मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बता देता हूँ। एक है हमारे पास अनलीवर्ड फर्म जिसमें कोई लोन नहीं है, अनलीवर्ड यानी लोन के बिना है। एक है लीवर्ड फर्म, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कई 15% 1.5 लाख रुपए की ऑपरेटिंग इनकम। EBIT हमारा 1,50,000 है, ठीक है। इंटरेस्ट हमारे पास अनलीवर्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और इंटरेस्ट का रेट है हमारा, मान लीजिए 8%। हमने 2 लाख रुपए का लोन लिया है, तो यहाँ पर 16,000 का इंटरेस्ट आपका माइनस हो जाएगा। ये आपके पास आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, ये आ गया 1,50,000 और ये आ गया 1,34,000, ठीक है। अब जो आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स है, हम ये मान लेते हैं कोई टैक्स नहीं है, टैक्स होगा तो वो भी माइनस होकर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो हमारे पास कोई टैक्स नहीं है, और चलो टैक्स भी ले लो। टैक्स आपके पास 30% है, 45 और 134 माइनस 30% 93,800 तो बचा है, 93,800, 40,200 का टैक्स, ये हो गया 1,05,000। अब हम अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, यानी इक्विटी के लिए कमाई। इक्विटी के लिए कमाई को हम KE से डिवाइड करेंगे। मैं मान रहा हूँ कि 15% हमारा KE है, तो ये कहता है कि KE यहाँ पर भी 15% ही रहेगा। ओके जी, अब जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है जिसको हम एस या ई से दिखाते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एस या ई से दिखाया जाता है, तो 1,05,000 डिवाइड बाई 15% यहाँ पर आ गया 7 लाख और 93,800 डिवाइड बाई 15% यहाँ पर आ गया 6,25,333। अब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जिसको डी से दिखाते हैं, यहाँ तो डेट है ही नहीं, अनलिवर्ड है, इसने 2 लाख रुपए के डेट ले रखे हैं, तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म जिसे वी से दिखाते हैं वो आ जाएगी 7 लाख और यहाँ पर आ जाएगी 8,25,333। ये एनआई अप्रोच इस तरह से चलता है, इसका न्यूमेरिकल भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, बड़ा सिंपल है। ऑपरेटिंग इनकम आ गई हमारे पास, इंटरेस्ट माइनस करिए ईबीटी आ जाएगा, टैक्स माइनस करिए ईएटी आ जाएगा। जो भी अर्निंग आफ्टर टैक्स होती है या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होती है उसे हम केई से डिवाइड करते हैं तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आ जाती है। डेट फेस वैल्यू पे ऐड किया जाता है, ये माना जाता है फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है, दोनों को ऐड करने के बाद मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आ जाती है। अब अगर हम केओ निकाल कर देखें तो केओ का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता था, केई डब्ल्यू ई के डी डब्ल्यू डी। तो सबसे पहली चीज जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आपके पास में आ रही है इसके थ्रू भी आप केओ निकाल सकते हैं। एक केई डब्ल्यू ई के डी डब्ल्यू डी वाला फॉर्मूला था जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लगाते थे, यहाँ ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है पूरी फर्म की कमाई ईबीआईटी आफ्टर टैक्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स होती है। पूरी फर्म की कमाई को वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड कर दो तो केओ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1.5 लाख की कमाई है, आफ्टर टैक्स किया उसको आपने और वैल्यू ऑफ फर्म 7 लाख से डिवाइड कर दिया तो 1.5 लाख माइनस 50% डिवाइड बाई 7 लाख, ये हमारे पास आ गया 1.5 लाख रुपए। टैक्स कितना है 30%, 30%, 1.5 लाख माइनस 30% डिवाइड बाई 7 लाख, ये आ गया 15%। तो पहले वाले का केओ 15% आ गया। हमारे पास अनलीवर्ड फर्म का केई और केओ सेम रहता है। रीजन, इसके पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वो है इक्विटी, तो 100% पैसा इक्विटी से आया है, तो इक्विटी 15% है तो केओ भी 15% हो जाएगा। अब दूसरी फर्म के अंदर देखते हैं 1.5 लाख 1 माइनस टैक्स और 8,25,333, ये आसान तरीका है केओ निकालने का। तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या करके चलेंगे, हम इसका जो केओ निकाला करेंगे वो ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स यानी फर्म की आफ्टर टैक्स कमाई डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म कर देंगे। ये आ गया हमारे पास 12.72%। तो हमने डेट का इस्तेमाल किया, तो डेट का इस्तेमाल करने की वजह से हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ गई और केओ कम हो गई। तो एनआई अप्रोच कहता है कि डेट का इस्तेमाल करना रेलिवेंट हुआ। न्यूमेरिकल इसका बिल्कुल सिंपल होता है। अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ईबीआईटी, इंटरेस्ट कुछ होगा नहीं, 1 माइनस टैक्स लीजिए, उसको केई से डिवाइड कर दीजिए या केओ से, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, डेट है नहीं, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ फर्म इसमें सेम रहता है। लिवर्ड के अंदर क्या करना होगा, इंटरेस्ट माइनस करके ईबीटी पे आइए, टैक्स है तो माइनस कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप केई से डिवाइड करेंगे, केई दोनों फर्म का सेम रहेगा एज पर एनआई अप्रोच। इसके बाद में डेट की वैल्यू जोड़कर वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ फर्म है उसके अंदर डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन रहता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बताओ तो वी में से आप डी हटा दीजिए, अगर पूछता है डेट की वैल्यू बताओ तो वो फेस वैल्यू लेकर हमें चलना है। अगर हम इसके न्यूमेरिकल्स देखें तो फॉर्मूले में अगर शेयर्स की वैल्यू निकालनी है तो ईबीआईटी माइनस आई, इंटरेस्ट चला गया, ईबीटी आ गया, 1 माइनस टैक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करा, आफ्टर टैक्स हो गया, केई से डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा। या फिर फर्म की वैल्यू पता है तो उसमें से डी हटा दो, फर्म की वैल्यू में से डी हटेगा, ई आ जाएगा आपके पास। वैल्यू ऑफ डेट सिंपल है, फेस वैल्यू लेनी होती है, कोई दिमाग नहीं लगाना। वैल्यू ऑफ फर्म में एस और डी को जोड़ दीजिए या फिर वैल्यू ऑफ फर्म के अंदर आप पूरी फर्म की कमाई को केओ से डिवाइड कर सकते हैं। पूरी फर्म की कमाई को केओ से डिवाइड करोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा और पूरी फर्म की कमाई को वी से डिवाइड करोगे तो केओ निकल जाएगा। बड़ा सिंपल है, पूरी फर्म की कमाई उठाओ आफ्टर टैक्स, केओ से डिवाइड करो तो वी आ गया और अगर वी से डिवाइड करोगे तो केओ आ जाएगा। ओके, या फिर आप केई डब्ल्यू ई के डी डब्ल्यू डी करके भी कर सकते हैं। केई डब्ल्यू ई के डी डब्ल्यू डी लंबा प्रोसेस है, ये प्रोसेस आसान रहेगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना आपके लिए ईजी होने वाला है। अच्छा, केई निकालने का तरीका क्या रहेगा, आपके पास में आप इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई यानी कि ईबीआईटी माइनस आई करा पहले, फिर उसको आफ्टर टैक्स करा, डिवाइडेड बाई पीडी है नहीं इस क्वेश्चन, यहाँ इस चैप्टर में पीडी नहीं है, वरना माइनस पीडी भी होता, तो पीडी इस चैप्टर में है नहीं। तो ईबीआईटी माइनस आई, 1 माइनस टैक्स किया, केई से डिवाइड किया तो वैल्यू ऑफ शेयर आ गया। अगर एस से डिवाइड करोगे तो केई निकल आएगा। तो अगर शेयर होल्डर के लिए जो कमाई है उसे एस से डिवाइड करेंगे तो केई निकल कर आ जाएगा। अनलिवर्ड फर्म में केई और केओ सेम रहते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गई एनआई अप्रोच, बड़ा सिंपल सा है, अनलिवर्ड फर्म की सीधी वैल्यू निकल जाएगी, केई से डिवाइड करेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा, केई की कमाई को। लीवर्ड के अंदर आप इंटरेस्ट माइनस करते हुए जाएंगे, वहां इंटरेस्ट भी होगा, केई सेम रहेगा दोनों फर्म का, केई से डिवाइड करेंगे, वहां पर आपके अनलिवर्ड फर्म के शेयर की वैल्यू आ जाएगी, उसमें डेट जो भी होगा वो जोड़ देंगे, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। केओ निकालना बड़ा सिंपल है, ईबीआईटी आफ्टर टैक्स करिए और डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म रख दीजिए, ठीक है। इसके अंदर केडी और केई कॉन्स्टेंट रहते हैं, जितना डेट का इस्तेमाल करोगे उतना फायदा होगा। इसके बाद में दूसरी अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि तीन फेज होते हैं। पहला फेज होता है जब केई और केडी कांस्टेंट रहते हैं, देखिए यहां पर ये दोनों सीधे सीधे हैं। उसके बाद में एक फेज आता है जब केई बढ़ने लग जाता है, केडी कांस्टेंट रहता है। फिर अगला फेज आता है जब केई भी बढ़ रहा होता है और केडी भी बढ़ रहा होता है, यानी यहां पर कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ अनस्टेबल है। तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच ना केई फिक्स है, ना केडी फिक्स है, ना ही केओ फिक्स है, ये सब बदलते रहते हैं। तो आपको क्वेश्चन हर अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर पर केडी केई की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। आप चेक करके देखेंगे केओ निकाल कर कि केओ कितना रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये इक्विटी का प्रपोर्शन, ये डेट का प्रपोर्शन, 100% पैसा इक्विटी से, डेट से कुछ नहीं। तो यहाँ पर केई और केडी इस सिनेरियो में कितने होंगे बताएगा, केडी तो है ही नहीं, केई जी 18% है, ओके। फिर कह देगा अगर ये 90% पैसा लगाएं, 10% पैसा लगाएं, तो केई 18 होगा, केडी 10% हो जाएगा। अच्छा जी, ये 80% पैसा लगाएं और ये 20% पैसा लगाएं, तो केई 20% हो जाएगा, ये आपका 10% हो जाएगा। फिर ये 70% पैसा लगाएं, ये 30% पैसा लगाएं, तो ये आपका 21% हो जाएगा, ये 12%। ऐसे अलग अलग बता देगा केई केडी। तो आपको इनके वेट दिए जाएंगे साथ में, तो आपको अलग अलग वेट के हिसाब से इनका हर केस का केओ निकालना पड़ेगा कि केओ कितना कितना आ रहा है। जिस लेवल पे केओ सबसे कम होगा, मान लो यहाँ पर सबसे कम है, तो वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर या बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। दिस अप्रोच फेवर्स दैट एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज अप टू सम पॉइंट, एक लेवल तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउन कम्स डाउन। तो कुछ लेवल, एक लेवल तक आप डेट इस्तेमाल करोगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी एंड वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। हाउएवर बियॉन्ड दैट पॉइंट रिवर्स ट्रेंड इमर्ज, कहते हैं कि उसके बाद में उल्टा ट्रेंड चल जाएगा। तो ये हमारी WACC है, शुरू में ये गिरेगी, एक पॉइंट पे आके अटक जाएगी जिसको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे, उसके बाद में बढ़नी चालू हो जाएगी। तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच स्टार्टिंग में केओ गिरता है और बीच में एक बार स्टेबल होने के बाद फिर बढ़ना शुरू कर देता है। यहां पर केई केडी केओ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी फर्म सब कुछ वेरिएबल है, यानी आपको हर बार केओ अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर पर निकाल कर देखना पड़ेगा। कंपनी हैज टू सेलेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर विद लोएस्ट केओ और हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। तो हमें हर लेवल पे चेक करना होगा, जब क्वेश्चन आएंगे इसके दिखाऊंगा मैं। इसके बाद आती है एनओआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इररेलेवेंट हैं, आप अगर डेट का इस्तेमाल करोगे तो उससे वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कहना क्या रहता है कि जब आप डेट का इस्तेमाल करते हो तो डेट का इस्तेमाल करने की वजह से रिस्क बढ़ जाता है इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर और उनका केई इंक्रीज हो जाता है। यानी कि ये किस तरह से कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक अनलिवर्ड फर्म है और एक लीवर्ड फर्म है। अनलिवर्ड फर्म का केई मान लीजिए 20% है और उसका केओ भी 20% हो गया, क्योंकि अनलिवर्ड में तो कोई और है ही नहीं। अब मान लीजिए लीवर्ड फर्म में केई और केडी, ठीक है, केडी 10% है और इनसे जो पैसा मंगवाया है वो हमने मंगवाया 80:20 के रेशो में। अब अगर हम इसका केओ निकालें तो इसका केओ कैसा आएगा, केई डब्ल्यू प्लस केडी डब्ल्यू टी। तो ये कहता है कि देखो यहाँ का केओ 20% है ना, तो यहाँ का भी 20% ही रहेगा। ये कहता है केओ फिक्स है। अब केई हमें पता नहीं, लेकिन वेट है इसका 80/100, ओके, 0.8 या 80% लिख दो, 80% लिख देता हूँ, इंटू 80%। अब केडी कितना है 10% और उनका वेट कितना है 20%, तो ये कितना हो गया 2%। 2% सामने जाकर माइनस हो गया, 18% इक्व टू केई मल्टीप्लाई बाई 80%। अब ये 80% डिवाइड हो जाएगा, केई इक्व टू 18 डिवाइडेड बाई 80%, 22.5%। तो पहले केई कितना था 20, अब केई बढ़कर कितना हो गया 22.5। तो लीवर्ड फर्म का केई बढ़ जाएगा, केओ सेम रहेगा। तो जैसे जैसे आप लोन का इस्तेमाल करते जाओगे वैसे वैसे आपका केई इंक्रीज होता चला जाएगा। ये कहती है एनओआई अप्रोच। पर ये जो थ्योरी है ये सिर्फ तब काम करती है जब टैक्स ना हो। अगर टैक्स नहीं है, अगर टैक्स है तो फर्क पड़ जाएगा। तो एनओआई अप्रोच में हमारे पास स्टेप क्या रहता है, इसके अंदर स्टेप 1 रहता है सबसे पहले वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म निकाल लो। आप अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालना बड़ा सिंपल है। अनलीवर्ड फर्म की आफ्टर टैक्स इनकम डिवाइडेड बाई अनलीवर्ड फर्म का केओ। तो जैसे मान लो ये 10 लाख आ गया, ठीक है जी। अब स्टेप 2 इसमें रहेगा वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म के लिए। वैल्यू ऑफ लीवर्ड और अनलीवर्ड सेम होते हैं एज पर एनओआई, अगर टैक्स ना हो तो। अगर इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो दोनों 10-10 लाख रुपए हो जाएंगे क्योंकि फर्म की वैल्यू सेम रहेगी, केओ सेम रहेगा। लेकिन अगर टैक्स है तो डी इंटू टी एड हो जाएगा। तो डेट के ऊपर जो पूरा लाइफ टाइम टैक्स बेनिफिट है वो एक ही बार में ऐड हो जाएगा। तो ये 10 लाख है, मान लो 3 लाख का डेट लिया आपने और टैक्स रेट है 30%, तो लीवर्ड फर्म की वैल्यू 10.9 लाख हो जाएगी। तो यहाँ पर एनओआई के यही क्वेश्चन मिलते हैं सारे के सारे। एमएम अप्रोच और एनओआई सेम तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं। पहले अनलीवर्ड की वैल्यू निकालो, पूरी फर्म की आफ्टर टैक्स कमाई डिवाइड बाई केओ, फिर लीवर्ड फर्म की निकालो। जनरली टैक्स वाले क्वेश्चन आएगा, वरना कोई रेलिवेंस नहीं, फिर तो दोनों 10-10 लाख हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे 10.9 लाख आ गया, इसमें शेयर्स की वैल्यू और डेट की वैल्यू की बात की जाए तो डेट 3 लाख रुपए, बाकी जो बचा हुआ वो शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर ये कहता है कि के डी के ओ मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कॉन्स्टेंट रहेंगे विदाउट टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर के केस में डेट लेने से आपको फायदा होगा। ओके, अगर टैक्स स्ट्रक्चर है तो डेट लेने से मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म लीवर्ड फर्म की बढ़ जाएगी। ओके, इसके अंदर स्टेप 1 क्या रहेगा, अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालिए, फर्म की पूरी कमाई आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई के ओ, और फिर लीवर्ड फर्म की वैल्यू निकाल दीजिए, अनलीवर्ड में प्लस कर दीजिए डी मल्टीप्लाई बाई टैक्स। फिर हमारे पास आती है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच कहता है कि एनओआई जो अप्रोच है वो डेफिनेशनल है, कंसेप्चुअल है, लेकिन उसमें बिहेवियर सिग्निफिकेंस नहीं है। और उसके लिए इन्होंने कहा कि मैं कुछ एजम्पशन बता रहा हूं, अगर वो एजम्पशन मानी जाए तो एनओआई अप्रोच ठीक हो जाएगी। बोले ये एजम्पशन ही आपको याद रखनी है। बोले कैपिटल मार्केट परफेक्ट होना चाहिए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टर्स रेशनल होने चाहिए, आप इक्विवेलेंट रिस्क क्लास में अलग अलग फर्म्स को ग्रुप कर सकते हो, और कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होना चाहिए। इनका मतलब क्या है पहले वो बता देता हूँ। कैपिटल मार्केट परफेक्ट है यानी कि मार्केट में जिस शेयर का जेन्युइनली जो प्राइस होना चाहिए वही रहे, उसमें फ्लक्चुएशन ना हो, इसे कहते हैं कैपिटल मार्केट का परफेक्ट होना। इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल होने का मतलब किसको कौन सा टेंडर मिल रहा है, किसको कौन सा ऑफर मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें मार्केट में सबको पता होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन कॉस्ट ना होना, यानी कोई एसटीटी कुछ, कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं है, ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है। आप शेयर्स को खरीद सकते हो और वहाँ से क्विट करके दूसरी कंपनी के शेयर्स को कभी भी खरीद सकते हो, आप फ्री हो एकदम। रेशनल का मतलब है आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं इक्वल लेवल पर, मैथमेटिक्स सबको आता है और सभी शेयर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट रिस्क क्लास में बांटने का मतलब है जिसका रिस्क ज़्यादा है, मान लीजिए एक लेवल से ज़्यादा रिस्क वाली सारी कंपनी एक जगह पर, एक लेवल से कम रिस्क वाली एक जगह पर, यानी जिन कंपनियों का बीटा 1 है वो एक जगह पर, जिनका 1.1 है वो एक जगह पर, जिनका 1.5 है वो एक जगह पर रहेंगी, और टैक्स नहीं होना चाहिए। तो ये एजम्पशन आपसे पूछी जा सकती है। एजम्पशन क्या है, कैपिटल मार्केट परफेक्ट होना चाहिए, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में मिलनी चाहिए, इन्वेस्टर रेशनल होने चाहिए, आप फर्म्स को उनके रिस्क के हिसाब से ग्रुपिंग कर सकते हो, और कोई कॉर्पोरेट टैक्स ना हो। जो सॉल्यूशन है, अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें, जो सॉल्यूशन है वो एनओआई और एमएम के सेम होते हैं, यानी न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों की थ्योरी सेम है, बस इन्होंने कुछ एजम्पशंस को एड ऑन कर दिया। तो एग्जाम में एमएम के ऊपर क्वेश्चन आता है कि मोदी गिलानी एंड मिलर की अप्रोच अगर पूरी हो रही है तो बताओ, तो क्वेश्चन आपको एनओआई से ही करना है इसका। इसके बाद में हमारे पास एक थ्योरी है ट्रेड ऑफ थ्योरी। ट्रेड ऑफ थ्योरी का मतलब है बैलेंसिंग। तो ट्रेड ऑफ थ्योरी बनी हुई है कि डेट के होने पर आपको कुछ फायदे और कुछ नुकसान है, उनमें बैलेंसिंग होनी चाहिए। फायदा क्या क्या है डेट के होने पर, एक तो ये चीप सोर्स है, सस्ता है, और एक इसके इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है उस पर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो ये बेनिफिट है, सस्ता है और टैक्स बेनिफिट देता है। नुकसान क्या है, नुकसान 2 तरीके के बताए। बोले एक तो फाइनेंशियल नुकसान है और एक कुछ अदर नुकसान भी हैं। अदर नुकसान क्या है? अदर नुकसान में कहा गया कि शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में लड़ाई हो सकती है अगर आप ज़्यादा डेट लो या इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और दूसरा शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो शेयर होल्डर और डेट के बीच में डिस्प्यूट और शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, इसको एजेंसी कॉस्ट बोलते हैं। तो एक है हमारे पास डेट लेने से एजेंसी कॉस्ट के शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में झगड़ा या शेयर होल्डर और डिवेंचर के बीच में झगड़ा। दूसरा है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के फाइनेंशियल क्या नुकसान हो सकता है। इसमें नुकसान को दो कैटेगरी में बांटा है कि आप बैंकरप्ट होने वाले हैं या आप बैंकरप्ट हो चुके हैं क्योंकि आप इंटरेस्ट की पेमेंट टाइम से नहीं कर पा रहे। तो अगर आप बैंकरप्ट होने वाले हैं तो आती है नॉन बैंकरप्सी कॉस्ट। नॉन बैंकरप्सी कॉस्ट कहती है कि आपका बिजनेस डाउन हो रहा है लेकिन अब बैंकरप्ट नहीं हुए, तो क्या होगा जब आप बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहे हो, ऐसी सिचुएशन में आपका स्टाफ छोड़ के भागने लग जाएगा कंपनी। जो कंपनी डूबने लगती है तो उस कंपनी का सबको पता चल जाता है धीरे धीरे बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रही है, तो स्टाफ छोड़ के भाग जाता है। दूसरा, आपके जो सप्लायर हैं वो आपको उधार देना बंद कर देंगे, तो हार्श टर्म सप्लायर्स की आ जाएगी। तो ये है बैंकरप्सी की तरफ बढ़ते हुए कॉस्ट, इसे नॉन बैंकरप्सी कॉस्ट बोलते हैं। और जब आप बैंकरप्ट होंगे तब क्या क्या बियर करना पड़ेगा। जब आप बैंकरप्ट होंगे तो एक तो लीगल एक्सपेंस होंगे बैंकरप्ट होने के, और आपकी जो एसेट्स थी वो कौड़ियों के भाव में जाएंगी, तो आपकी एसेट्स बहुत लोअर प्राइस पे जाएंगी। तो ट्रेड ऑफ थ्योरी कहती है कि डेट के लेने से फायदा और नुकसान दोनों है। फायदा है चीपर सोर्स है और टैक्स बेनिफिट है। नुकसान क्या क्या है, एक तो है एजेंसी कॉस्ट। एजेंसी कॉस्ट में शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में डिस्प्यूट और शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। दूसरी है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में बैंकरप्सी और नॉन बैंकरप्सी कॉस्ट है। नॉन बैंकरप्सी कॉस्ट के अंदर है कि स्टाफ आपका भागने लग जाएगा जब आपकी कंपनी डूबने की तरफ बढ़ रही है, और दूसरा आपको जो सप्लायर हैं वो अच्छी टर्म्स नहीं देंगे, यानी उधार देना बंद, महंगा देना शुरू, कैश डिस्काउंट देनी बंद, ऐसा कुछ भी वो कर सकते हैं। दूसरा आपके पास में बैंकरप्सी कॉस्ट है जिसमें लीगल एक्सपेंस आ जाएंगे और आपकी एसेट लोअर प्राइस पे बिकेगी। तो ट्रेड ऑफ थ्योरी कहती है कि जब आप डेट लेते हो तो उसमें आपको बैलेंसिंग करके चलना चाहिए उसके फायदे और नुकसानों को देखते हुए। एक आती है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, ये भी बिल्कुल थ्योरी है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ये कहना है कि जब भी आपको पैसा मंगवाना है तो आपका फर्स्ट प्रीफरेंस रिटेन्ड अर्निंग होना चाहिए, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग में ना तो आपको कोई प्रोस्पेक्टस इशू करना, ना आपको कहीं पे कुछ बताना, बस जो डिविडेंड है, जो अर्निंग पर शेयर है, उसमें से एक हिस्सा डिविडेंड में दे दीजिए, बाकी बिजनेस में रोक लीजिए। तो जितना पैसा आप बिजनेस में रिटेन करते जाएंगे उससे आपकी फंडिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट प्रीफरेंस इसी पर है। इसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती, इसमें कोई प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू नहीं होते, कहीं जाकर आपको किसी आईपीओ वाईपीओ पे कुछ नहीं निकालना, घर के घर में पैसा आ जाता है रिटेन अर्निंग से। दूसरा प्रीफरेंस है कि डेट से पैसा मंगवाना चाहिए, और तीसरा प्रीफरेंस है कि आपको इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए, यानी फ्रेश इक्विटी शेयर सबसे लास्ट में इशू किए जाएंगे। तो सबसे पहला सोर्स है ये एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए है, नई कंपनी के लिए नहीं। नई कंपनी में तो पहले शेयर ही इशू होगा। तो एग्जिस्टिंग कंपनी में सबसे पहले रिटेन अर्निंग से पैसा मंगवाओ, उससे पैसा नहीं आ पा रहा तो डेट ले लो, डेट से भी नहीं आ पा रहा तो लास्ट में जाके इक्विटी शेयर इशू करो। ओके, आर्बिट्रेट प्रोसेस अभी बाद में बताऊंगा, अब इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। बड़े आराम से देखेंगे, बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर लेकर बैठ जाना, बहुत सिंपल है चैप्टर ये। X limited and Y limited are identical except that the former used debt, पहले वाला debt यूज करता है X, ये levered हो गया। Y later doesn't not, तो Y unlevered हो गया, ये levered। 10 levered firm है 10% डिवेंचर ऑफ 9 लाख, both firm CBIT 20% ऑफ टोटल एसेट ऑफ 15 लाख, तो 15 लाख का हो गया 20%, 3 लाख का इनका EBIT है। एज्यूमिंग टैक्स रेट 50%, कैपिटलाइजेशन रेट इज 15% फॉर एन ऑल इक्विटी फर्म, तो जो ऑल इक्विटी फर्म है यानी अनलिवर्ड है, इसका कैपिटलाइजेशन रेट यानी केओ 15% है, और इसका केई भी 15% होगा। क्यों भाई? क्योंकि अनलिवर्ड फर्म का केओ और केई सेम होता है। कह रहे हैं आप एनआई अप्रोच से वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, तो सबसे पहले कमाई कितनी है दोनों फर्म की, 3 लाख। एक्स के पास में 9 लाख का लोन है 10% से, 90,000 का इंटरेस्ट देगा, ये कुछ नहीं देगा। आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स का रेट 50% है, टैक्स चला गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इसको केई से डिवाइड करेंगे तो अनलीवर्ड का केई तो आपको पता है 15% है, डिवाइड कर दिया 15% से। लीवर्ड का केई भी सेम होगा, एनआई अप्रोच के हिसाब से दोनों का केई सेम रहता है, तो यहाँ भी 15% से डिवाइड हो गया। वैल्यू निकल आई, वैल्यू ऑफ शेयर में वैल्यू ऑफ डेट को जोड़ देंगे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आ गया, इसमें डेट को जोड़ दीजिए। फर्म की वैल्यू आ गई इसकी 16 लाख रुपए और इसकी 10 लाख रुपए। जिसने डेट का इस्तेमाल किया उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा है, यही एनआई अप्रोच बोलता था। सेकंड है एनओआई अप्रोच लगाओ, यही एग्जाम में पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एनओआई के अंदर आप क्या करेंगे, पहले वैल्यू निकालेंगे अनलीवर्ड फर्म की। अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वाई है अनलीवर्ड, कंपनी की कमाई आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई कंपनी का केओ। तो यहाँ पर केओ के ई सब कुछ 15% है, लो जी 15%, ये वैल्यू आ गई जी 10 लाख। अब इसके बाद में लीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालिए, अनलीवर्ड फर्म की कितनी वैल्यू है, प्लस डी इंटू टी। तो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू है 10 लाख, प्लस लोन है 9 लाख का, 50% टैक्स है, 14.5 लाख इसकी वैल्यू आ गई। तो पहले अनलीवर्ड की वैल्यू निकालिए 10 लाख, फिर लीवर्ड की वैल्यू निकाले 1450। इसके बाद में कह रहे हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ दोनों फर्म की बताओ एनओआई से। तो एनओआई से पहले मैं वाई लिमिटेड की बता देता हूं 15%। कैसे, वाई लिमिटेड की तो के ओ के ई सब सेम रहेगा। अब निकालना है एक्स लिमिटेड का, तो सिंपल तरीका क्या है, पूरी फर्म की कमाई उठाओ, यहाँ पर 3 लाख रुपए आफ्टर टैक्स करो और फर्म की वैल्यू से डिवाइड कर दो, आ गया। ये KEWE वाला आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें मेहनत ज़्यादा है, आंसर सेम आता है तो मेहनत ज़्यादा क्यों करें। तो आप सिंपल लगाइए आफ्टर टैक्स EBIT और उसको वैल्यू फर्म से डिवाइड कर दीजिए। BBQ 78 PNR लिमिटेड एंड PXR लिमिटेड आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट एक्सेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। PNR लिमिटेड डज नॉट एम्प्लॉय डेट, तो PNR हो गई अनलीवर्ड इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, वेयर एज PXR लिमिटेड एम्प्लॉय 12% डिवेंचर ऑफ 20 लाख, ये हो गई लीवर्ड। कह रहे हैं फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर गिवन, इनकम टैक्स रेट 30%, EBIT 5 लाख रुपए, इक्विटी कैपिटलाइजेशन PNR, PNR कौन सी थी, अनलीवर्ड, 20% है। तो जो PNR है उसका KE, उसका KO सब कुछ 20% हो गया, ठीक है जी। ऑल एजम्पशंस ऑफ मोदी मिगलानी अप्रोच मेट, तो MM अप्रोच से करना है यानी NOI अप्रोच से करना है। वैल्यू ऑफ बोथ द फर्म, तो सबसे पहले हम PNR की वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ PNR पूरी आफ्टर टैक्स कमाई लो और KO से डिवाइड कर दो। तो 5 लाख रुपए कमाई है, आफ्टर टैक्स किया, KO से डिवाइड किया, 1750 आ गया। अब वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म यानी PXR निकालना है। तो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू लो, ये जो लोन है 20 लाख रुपए का, इसको 30% टैक्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू प्लस लोन में 30% मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 2350 इसका आ गया, ओके जी। अब कह रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ दोनों का। तो पहले मैं PNR का बता देता हूँ, 20% है, पहले से ही पता है KE KO सब 20% है, आ गया जी। अब दूसरी वाली का निकालना है, तो क्या करो, पूरी फर्म की कमाई को वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड कर दो। तो वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पर ये पूरी फर्म की कमाई ले ली, आगे जी 14.8 में। बहुत सिंपल, 5 नंबर दे जाता है आपको, बिल्कुल लड्डू गोपाल क्वेश्चन आता है। हाँ जी, BBQ 79 स्टॉप गो लिमिटेड एंड ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी, स्टॉप गो ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, अनलीवर्ड है, इज कंसिडरिंग द रीपर्चेज ऑफ 200 लाख इक्विटी एंड टू रिप्लेस इट विद 15% डिवेंचर ऑफ द सेम अमाउंट। ये सोचें 200 लाख की इक्विटी अपने खरीद के और लोन इशू कर दें, तो ये अभी अनलीवर्ड है लेकिन ये फ्यूचर में लीवर्ड हो जाएंगे, ओके। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी 1140 लाख है, इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है, तो अनलीवर्ड का KE KO सब कुछ अभी 20% है। अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू, इसको VU लिखते हैं, 1140 लाख है, ओके। आगे कह रहे हैं इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कॉन्स्टेंट इन फ्यूचर। कह रहे हैं EBIT फ्यूचर में कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं बताया EBIT कितना है, तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर वैल्यू ऑफ फर्म दी गई है, वैल्यू ऑफ फर्म बताइए कैसे निकलता है, EBIT 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई KO, ऐसे वैल्यू ऑफ फर्म निकला होगा। तो हमें EBIT नहीं मालूम, EBIT 1 माइनस टैक्स मालूम है, KO हमें मालूम है 20% है, और फर्म की वैल्यू आ रही है 1140। तो 1140 में 20% को मल्टीप्लाई कर दो, EBIT 1 माइनस टैक्स इक्व टू 1140 मल्टीप्लाई बाई 20%, 228। अब ये 1 माइनस टैक्स हो गया 0.7, सामने ले जाकर 0.7 को डिवाइड कर दो, यहां से हट गया, ये आ गया भैया 325.71 लैक्स। तो 325.71 लैख हमारा 325.71 हमारा EBIT आ गया, ये कांस्टेंट रहेगा, EBIT की तो जरूरत पड़ेगी ना क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए, ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं, एक मिनट बस ये हटा दो। ओके 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 हाँ जी। Its entire earning are distributed as dividend, applicable tax at 30%. You are required to calculate the impact on the following on account of the change in capital structure. Capital structure बदलने से क्या फर्क पड़ेगा MM hypothesis से, यानी MM approach लगानी है। अब जरा देखिए क्या नाम है इसका, स्टॉप गो लिमिटेड। तो स्टॉप गो जब अनलीवर्ड थी और स्टॉप गो जब लीवर्ड है, इसका जो KE है, इसका जो KO है सब 20% है। ओके, इसकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो 1140 लाख है। इसका KE, इसकी इक्विटी की वैल्यू भी इतनी होगी क्योंकि डेट है नहीं इसमें। अच्छा जी, इसके बाद में इसका जो EBIT है वो हमारे पास 325.71 लाख है। चलो जी, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब ये कह रहे हैं अब बाद में क्या होगा, किस किस चीज़ पे, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पे। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बताइए लीवर्ड वाले की कैसे निकलेगी। लीवर्ड वाले की वैल्यू ऑफ फर्म निकलेगी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डी मल्टीप्लाई बाई टी। तो इसकी वैल्यू थी 1140 लाख। डेट ये 200 लाख का लेकर आ रहे हैं, टैक्स रेट है 30%, तो ये हो गया 60, 1200 लाख हो गई। अब वैल्यू ऑफ फर्म, तो नए वाले की वैल्यू ऑफ फर्म 1200 होगी, पुराने की 1140 थी। इम्पैक्ट क्या पड़ा, 60 लाख से आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ पर 1200 लाख हो गई, 60 लाख से आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ गई। दूसरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी थी 20%। अब जरा इसकी देखते हैं, पूरी फर्म की आफ्टर टैक्स कमाई 325.71 लाख 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई पूरी फर्म की वैल्यू 1200। ओके, फर्म की आफ्टर टैक्स कमाई डिवाइड बाई 1200, तो 325.71 माइनस 30% डिवाइडेड बाई 1200, ये हो गया भैया 19%। तो पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20 थी, अब 19 हो गई, 1% से ये कम हो गई, 60 लाख से ये बढ़ गया था। ओके, तो हमारे पास अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या पड़ा, 19% हो गई, 1% से कम हो गई। लास्ट कह रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताओ। ठीक है जी, तो इसका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी था वो 20 था, दोनों सेम ही रहते हैं। अब लीवर्ड वाले की बात करते हैं। लीवर्ड फर्म की वैल्यू है 1200 लाख, इसमें डेट का पैसा 200 है, तो इक्विटी का कितना हो गया 1000 लाख। ओके, अब हमें निकालना है केई। तो केई के लिए इक्विटी की कमाई EBIT माइनस आई 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई इक्विटी की वैल्यू। तो EBIT है हमारे पास 325.71 लाख माइनस इंटरेस्ट है 200 लाख के, डेट किस रेट से लिए, 15% से। 15% से 200 लाख के डेट ले गए, तो इसका मतलब 30 लाख का आपका इंटरेस्ट चला गया, 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी की वैल्यू EIS लिख सकते हैं। तो 1000 लाख इसकी वैल्यू है। ये आपके पास आ गया जी 325.71 माइनस 30 लाख और माइनस 30% टैक्स चला गया, डिवाइड बाई 1000 लाख परसेंटेज 20.6997। तो 20.70% इक्विटी की वैल्यू आपकी KE हो गया। यहाँ पर KE 20.70, पहले कितना था 20%, अब 20.7, तो KE 0.70% से बढ़ गया। इस तरह से क्वेश्चन है। आप देखेंगे इसको तो ये आपको लड्डू लगने लगेगा आप कि बस ये तो ऐसे वैल्यू निकालनी हो तो इससे डिवाइड करना होता है, काम खत्म। इसके बाद में एक BBQ 80A बहुत ज़्यादा फेमस है, एग्जामिनर को बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, लेकिन पूछता बहुत है। अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। अल्फा लिमिटेड हैज 50% डेट एंड 50% इक्विटी। अच्छा जी, बीटा है 20% डेट एंड 80% इक्विटी। तो अल्फा के पास 50-50 है और बीटा के पास 20% डेट, 80 इक्विटी है और 20 डेट है। नीचे वाला मैंने डेट ले लिया, ऊपर वाला इक्विटी ले लिया। ठीक है जी। ऑल परसेंटेज आर इन मार्केट वैल्यू टर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बोरोइंग रेट इज 8%, इंटरेस्ट का रेट 8% है। नो टैक्स वर्ड, यानी कोई टैक्स वैक्स नहीं है। कैपिटल मार्केट एज्यूम टू बी परफेक्ट है। चलो जी, कोई बात नहीं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ़ यू ओन 2% शेयर्स ऑफ अल्फा Determine your return if the company had net operating income 360 and overall capitalization rate is 18%. सबसे पहली चीज ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट 18% है और EBIT 360 है। तो देखिए इसका मतलब 360 हमारी ऑपरेटिंग इनकम है, कैपिटलाइजेशन रेट 18% है। तो आप अपनी कमाई को फर्म की अगर फर्म के KO से डिवाइड करेंगे तो फर्म की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई है 20 लाख। इसका मतलब वैल्यू ऑफ फर्म हो गई। ओके, कैसे किया मैंने फिर से बता देता हूँ। फर्म की कमाई टैक्स है नहीं तो पूरी फर्म की कमाई डिवाइड बाई पूरी फर्म का KO V निकल आया 20 लाख। अब जो अल्फा भाई है हमारा उसके पास आधा इक्विटी से है तो 10 लाख इक्विटी से 10 लाख डेट से हो गया। ओके, अब हमारे पास कह रहे हैं हम पे 2% शेयर है तो हमारी कमाई बताओ। तो पहले हम पूरी फर्म की कमाई निकालेंगे इक्विटी के लिए। तो देखिए 360 की कमाई, 10 लाख रुपए के लोन 8% से 80,000 गए, 2,80,000 आ गया इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अर्निंग। आपके पास 2% शेयर है तो इस कमाई का 2% आपको मिल जाएगा। तो 2% 280 का आपको मिलेगा, 5600 आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद में कह रहे हैं सेकंड, कैलकुलेट इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी के लिए इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? तो आपके पास पूरी फर्म की कमाई कितनी है 280, इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न यानी इक्विटी शेयर होल्डर को कितनी रिटर्न मिल रही है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी पूछ रहे हैं बेसिकली आपसे। तो पूरी कंपनी को 2,80,000 की कमाई मिल रही है, शेयर होल्डर्स को 10 लाख रुपए लगाकर, तो 28% रिटर्न इनकी आ रही है। ओके, इसके बाद सेकंड कह रहे हैं आप दूसरी कंपनी पे आते हैं, अगर इसकी भी सेम ऑपरेटिंग इनकम है अल्फा के जैसी तो इसका मतलब ये भी 20 लाख रुपए की फर्म है। ठीक है जी। इसका पैसा बटा हुआ है 80 इक्विटी में, 16 लाख इक्विटी में और 4 लाख रुपए डेट में, और 4 लाख रुपए पे इंटरेस्ट का रेट 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था। तो कह रहे हैं इसकी इंप्लाइड रिटर्न बताओ। तो पहले इसकी कमाई निकालनी पड़ेगी फिर से। 360 की कमाई 8% 4 लाख पे देना है 32,000। पूरी फर्म की कमाई 328 लाख है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, और इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा 16 लाख रुपए लगा हुआ है। तो 16 लाख रुपए लगे हुए हैं, 328 कमाई, 20.5% की कमाई है। ओके जी, 20.5% की कमाई आई है इसकी। एनालाइज वाई डज इट डिफर फ्रॉम अल्फा। अल्फा की कमाई 28 थी, इसकी 20 है, अलग क्यों है? क्योंकि दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है। ओके, इसके बाद में ये हमारे पास एक ट्रेडिशनल का क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल अप्रोच का। इसमें 1 से लेकर 7 तक ऑप्शन है, KD दिया गया है, KE दिया गया है, ये बता दिया गया कि डेट कितना है। तो ये डेट का रेशो है, इसी के बराबर में इक्विटी का रेशो रख देता हूँ। यहाँ पर इक्विटी सारा पैसा, ये पॉइंट में दिया हुआ है, ये 0.1 का मतलब है 10% पैसा, तो मैं भी पॉइंट में लिख रहा हूँ। इसके साथ में 90% पैसा, 80%, 70%, 60, 50, 40%, तो इक्विटी का रेशो आ गया। अब KD की परसेंटेज आ गई, इक्विटी का रेशो आ गया, KE की परसेंटेज आ गई। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया WD और ये है KD, ये है हमारे पास WKE, ठीक है, ये KE और ये WE। तो KDWD प्लस KEWE इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपके पास WACC आ जाएगा, ये निकल कर आ गया। इसमें आपको चेक करना पड़ेगा सबसे सस्ता कौन है। सबसे सस्ता है 12.8, तो सेकंड ऑप्शन बेस्ट है क्योंकि इसमें 12.8 सबसे सस्ता बैठ रहा है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच का क्वेश्चन वैसे पूछता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है। हाँ, अब हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं लास्ट आर्बिट्रेज के बचे हुए। आर्बिट्रेज में बच्चे उलझते रहते हैं जबकि बहुत सिंपल प्रोसेस रहता है ये, देखिएगा। आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि कोई फर्म ओवर वैल्यूड है, यानी उसकी जो जेन्युइन वैल्यू होनी चाहिए वो उससे ज़्यादा है। तो होगा क्या, अगर जो ओवर वैल्यूड फर्म है उसके शेयर्स महंगे हैं तो उसके महंगे शेयर्स बेच के आप दूसरी फर्म में जाकर अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पास अगर आप उतना ही पैसा लगाओगे तो आपकी कमाई बढ़ जाएगी। यानी जैसे मान लीजिए एक फर्म है जिसके शेयर्स 20 लाख रुपए के हो रखे हैं जबकि वो होने 15 लाख रुपए के चाहिए। तो आप सोचिए आपके यहाँ पर 10% शेयर होल्डिंग है तो आपने 2 लाख के शेयर ले रखे हैं। आप यहाँ से अपने शेयर बेचकर इस फर्म में जाइए जो जेन्युइन रेट पे चल रही है, तो ये ओवर वैल्यूड हो गई और ये नॉर्मल है। ठीक है जी। तो जो ओवर वैल्यूड फर्म होती है उससे अपनी शेयर होल्डिंग निकालो। 10% आपकी है, 2 लाख रुपए की आपने यहाँ से निकाले। अब आप यहाँ देखिए, आप यहाँ पर 2 लाख रुपए लगाएंगे तो आपको कितनी शेयर होल्डिंग मिल जाएगी, 13.3%। तो आप यहाँ पर 10% शेयर होल्डिंग के मालिक थे, यहाँ 13% के मालिक हैं, तो आपके पास ओवर वैल्यूड फर्म से आपको अंडर वैल्यूड फर्म में चले जाना चाहिए। एक बात और बता दूं, ये जो ओवर वैल्यूड फर्म है, जैसे इसकी कमाई है मान लो 2 लाख रुपए EBIT, तो ये वाली फर्म की कमाई भी 2 लाख रुपए है। अब आपका पहले 2 लाख रुपए में 10% हिस्सा था, आपके पास 10% शेयर होल्डिंग थी, अब आपका 13% हिस्सा होगा, तो आपकी कमाई बढ़ जाएगी। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि अपनी कमाई बढ़ा लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 10% शेयर होल्डिंग थी, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हम यहाँ पर अपने शेयर्स बेचते हैं, यहाँ भी 10% शेयर होल्डिंग ले लेते हैं, तो शेयर होल्डिंग कितनी मिली, 1.5 लाख में मिल गई आपको 10%, तो आपके पास 2 लाख रुपए थे, 50,000 रुपए आपके सेव हो गए, आपको कहीं इन्वेस्ट नहीं करने पड़े, और आपका काम 50,000 कम में हो गया। अगर सेम शेयर होल्डिंग लेनी है, सेम कमाई रखनी है, तो इसमें दो तरीके का आर्बिट्रेट में ऑप्शन रहता है कि एक फर्म महंगी है, एक सस्ती है। महंगी फर्म से शेयर बेचकर आपको सस्ती फर्म में जाना है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन रहते हैं, सारा पैसा लगा दोगे तो कमाई बढ़ जाएगी। यही ICI CA इंटर में इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो ICI ने एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं, सारा पैसा लगा दो। दूसरा ऑप्शन भी होता है, पर वो CA इंटर में नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप सारा पैसा ना लगाओ, उतनी ही शेयर होल्डिंग लो, तो आपकी कमाई नहीं बढ़ेगी लेकिन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो अगर आपका पहली फर्म में इन्वेस्टमेंट 2 लाख था और आप 20,000 कमा रहे थे, तो दूसरी फर्म में 20,000 कमाने के लिए आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तो 50,000 रुपए कम लगाकर आपकी सेम कमाई हो जाएगी। ये CA इंटर में नहीं है, CA इंटर में है 2 लाख रुपए एक जगह पे लगाकर 20,000 कमा रहे थे, दूसरी जगह पे वो पूरे 2 लाख रुपए लगा दो और वहां पर आपकी कमाई 20,000 की जगह 25-30,000 हो जाएगी, आपकी कमाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आर्बिट्रेज में दो सिचुएशन रहेंगी। पहली सिचुएशन, लीवर्ड फर्म ओवर वैल्यूड है, जो लीवर्ड फर्म है जिसके पास लोन था वो ओवर वैल्यूड है, तो आप लीवर्ड फर्म से अनलीवर्ड की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आप अपने सारे शेयर्स बेच दिए। अब आप क्या करेंगे, आप लीवर्ड फर्म में थे जहां पर लोन था, अब आप क्या करेंगे, आप बाहर जाएंगे तो मार्केट से भी लोन उठाएंगे, जिससे आपके सर पे लोन हमेशा बना रहे। तो मार्केट से लोन उठाइए, डेट इक्विटी रेशियो को मेंटेन करना है हमेशा, तो सेम डेट इक्विटी रेशियो में, जैसे 2:1 में था वहां पर लोन, तो यहाँ भी 2:1 में मार्केट से लोन उठा लो। अब जो आपके पास शेयर बेच के पैसा आया प्लस जो आपने लोन उठाया वो जो पैसा आया, सारा पैसा लो और जाकर दूसरी फर्म के शेयर्स खरीद लो, इससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी। दूसरा है सेम शेयर होल्डिंग लो, सेम रिटर्न चाहिए, तो वो CA इंटर में उसका एग्जाम्पल है ही नहीं, तो इंक्रीज इन इनकम वाला ही करेंगे, हम इसी पे ध्यान देंगे। अच्छा जी, दूसरा, अगर अनलीवर्ड फर्म ओवर वैल्यूड है, यानी बिना लोन वाली फर्म ओवर वैल्यूड है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने शेयर्स बेचिए। अब जो आपके पास शेयर होल्डिंग आ गई, मतलब शेयर्स बेच के पैसा आ गया, लीवर्ड फर्म में जाइए और उसके शेयर्स और डिवेंचर दोनों चीजें खरीद लीजिए डेट इक्विटी रेशियो में। तो जो भी आपके पास पैसा है अवेलेबल फंड, उसको लगा दीजिए डेट और शेयर्स के अंदर डेट इक्विटी रेशियो में, इससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी। ये मैं आपको सामने से करके बताऊंगा भी कैसे, फिर से बताता हूँ। लीवर्ड फर्म में हो, वहां से शेयर बेच के बाहर निकलो, सेम रेशो में लोन उठाओ और पूरा पैसा दूसरी कंपनी में डाल दो। ठीक है, अगर अनलीवर्ड में हो, वो ओवर वैल्यूड है, वहां के सारे शेयर्स बेचो, लीवर्ड कंपनी में जाकर वहां के शेयर और डिवेंचर दोनों के दोनों डेट इक्विटी के रेशो में परचेज कर लो, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। बस इतना सा ये है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए 2 मिनट में आपको चीज समझ में आ जाएगी। अरे सर ये तो बहुत ही सिंपल निकला। 2 क्वेश्चन है इसके। पहला है 82, देखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, EBIT 30,000 है, KE 12.5% है, 2 कंपनियों के बारे में बात चल रही है। लीवर्ड का डेट 1 लाख रुपए का और इक्विटी 1 लाख रुपए का है, तो 1:1 का डेट इक्विटी रेशियो है। ठीक है, अनलीवर्ड में सारा पैसा इक्विटी से है, ये इनकी बुक वैल्यू दी हुई है। अब कह रहे हैं कि आपके पास 15% होल्डिंग है लीवर्ड कंपनी में। कैलकुलेट इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग, आप अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हो अगर आप होल्डिंग लीवर्ड की बेचकर अनलीवर्ड में चले जाओ। तो लीवर्ड कंपनी की होल्डिंग है आपकी, आपके सर पे लोन है, लीवर्ड कंपनी यानी लोन वाली कंपनी। आप क्या करेंगे, अपनी शेयर होल्डिंग को लीवर्ड से बेचेंगे, सेम डेट इक्विटी रेशो में, डेट इक्विटी रेशो हो गया इसका 1:1, जितने डेट इक्विटी रेशो में बाजार से उठाएंगे लोन और सारा पैसा अनलीवर्ड में लगा देंगे, जितना भी आएगा आपकी कमाई बढ़ जाएगी। ओके, अब यह देखिए पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे, कमाई कितनी है जी, 30,000। ओके, 30,000 यहाँ पर 1 लाख रुपए पे 10% इंटरेस्ट चला गया, 10,000, यहाँ कोई लोन नहीं है, यहाँ 20,000 की कमाई, यहाँ 30,000 की कमाई, ये शेयर होल्डर्स की कमाई है। ओके, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 12.5% है, 12.5% से डिवाइड किया, इसमें लोन को जोड़ा, ये फर्म हो गई 260 की और ये हो गई 240 की, तो ये ओवर वैल्यूड है, महंगी है। अब हमारे पास इसमें 15% शेयर्स हैं, इसके शेयर्स की वैल्यू कितनी है 160, 15% शेयर तुम्हारे पास हैं, 160 मल्टीप्लाई 15%, 24,000 के शेयर तुम्हारे पास हैं इसमें। ठीक है, क्या करोगे 24,000 के शेयर बेच दो, बेच दिए जी, बेच दिए 24,000 के शेयर हमने बेच दिए। ठीक है, अब आपके पास शेयर होल्डिंग कितनी थी 15%, यहाँ पर लोन कितना है इस कंपनी में 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का लोन है, 15% तुम्हारी शेयर होल्डिंग थी, तो आपके पास डेट का भी 15% हिस्सा होना चाहिए। यहाँ पर क्या था, यहाँ डेट इक्विटी रेशियो 1:1 मैच हो रहा था, यहाँ पर मार्केट वैल्यू की वजह से वो हिल गया है, कोई बात नहीं। अब आप क्या करोगे, यहाँ के 15% आपकी जो शेयर होल्डिंग थी, 15% आपके पास शेयर्स थे, तो यहाँ का जो डेट है 15% डेट बाजार में जाके आप उधार पैसा उठा लो, तो आपने बाजार से 1 लाख रुपए का डेट है इसका, 15% गए और बाजार से उठा लिया। अब जरा देखिए 160 में 15% शेयर आपके हैं, उन्हें बेचो और जितना लोन है इसके पास उसका 15% लोन बाजार से उठा लो, उठा लिया जी, 39,000 रुपये आपके पास हो गए। अब ये 39,000 रुपये दूसरी कंपनी में लगा दो, 39,000 हमने अनलीवर्ड में लगा दिए। अब हम देखते हैं हमारी कमाई कितनी हो जाएगी। 39,000 रुपये जो आपने लगाए, इस कंपनी में कमाई कितनी है 12.5%, आपकी 12.5% 4875 की आपकी कमाई होने लग गई। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 30,000 की कमाई 2,40,000 पर है, तो 39,000 पर कमाई कितनी होगी, 4875 की कमाई होगी, ऐसे भी निकाल सकते हो, वरना सीधे 12.5% की कमाई है। ठीक है, तो 39,000 लगाए इस कंपनी में, 4875 की कमाई हुई। तुमने 15,000 का लोन लिया था, लोन का रेट कितना चल रहा है बाजार में 10%, तो आपने जो 15,000 का लोन बाजार से उठाया, इस पे आपको 1,500 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, तो 1,500 रुपये का ब्याज इस पे हमने दे दिया। अब हमारी कमाई नेट बची 3,375, तो नई कंपनी में आए 4,875 की कमाई है, जो लोन लिया था 1,500 रुपये उसका इंटरेस्ट, जो लोन लिया था 15,000 का, उस पर 1,500 रुपये का इंटरेस्ट चला गया, 3,375 की कमाई है। अब हम देखेंगे पिछली फर्म में कितनी कमाई थी, तो पिछली फर्म में 20,000 रुपये शेयर होल्डर्स की कमाई थी, इसका 15% तुम्हें मिलता था, तो तुम्हें 20,000 का 15% 3,000 रुपये मिलते थे, तो यहाँ पर 3,000 मिलते थे, यहाँ 3,375 आपकी कमाई बढ़ गई। फिर से बताता हूँ क्या करना है, आप लीवर्ड से जा रहे हो, 15% शेयर पहले मार्केट वैल्यू निकाल लो, 15% की शेयर होल्डिंग को बेच दो, आपके पास जितना भी पूरी कंपनी पे लोन है 1 लाख का है, उसमें 15% का हिस्सा आपका भी था, 15% का बाजार में जाके लोन ले लो आप, उसके बाद में सारा पैसा नई कंपनी में लगाओ। इनकम कैसे देखेंगे, नई कंपनी का जो भी रिटर्न है 12.5 है, वो 12.5 आपकी रिटर्न हो गई, जो लोन लिया था उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, माइनस किया, 3,375 नेट आपकी कमाई बची। पुरानी फर्म में आपके पास जो शेयर्स थे उस पर आप 3,000 रुपये कमा रहे थे, अब 375 की कमाई बढ़ गई है। दूसरा, अब अनलीवर्ड से लीवर्ड में जाएंगे, तो अनलीवर्ड से जब लीवर्ड में जाओगे तो वहां के शेयर्स और डिवेंचर दोनों में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड 2,30,000 की EBIT है, डेट दे दिया 1 लाख और इक्विटी 1 लाख, यहाँ 2 लाख रुपए, कई दोनों का अलग अलग है। आपके पास अनलीवर्ड में 15% शेयर्स हैं। ठीक है जी, पहले फर्म की वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों की कमाई 30,000 आ गई जी, इसने इंटरेस्ट दिया, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, 20 और 30, इसका कई 20 है, इसका 12.5 है, डिवाइड किया, वैल्यू ऑफ शेयर आ गई, वैल्यू ऑफ डेट जोड़ा, ये 240 की है, ये 2 लाख की, तो ये ओवर वैल्यूड है। अब आपके पास इसके 15% शेयर्स हैं, तो 24,000 का 15%, 36,000 में इसके शेयर्स को बेच दो। अब ये 36,000 सामने वाली कंपनी में जो भी इसका डेट इक्विटी रेशो आ रहा है उस रेशो में लगा दो, तो 36,000 यहाँ पर 1 लाख है, 18,000 के इक्विटी खरीदो, 18,000 लोन में लगा दो। ठीक है, अब देखिए 36 में बिके, 18,000 लोन में और 18,000 की इक्विटी लगा दिए। अब कमाई देखो, 20,000 की कमाई हो रही है और रिटर्न 20% है, 20% रिटर्न है, तो 18,000 के इक्विटी पे 20% रिटर्न, 3,600 की कमाई हो गई, और 18,000 का जो डेट लिया है उस पर 10% आपको ब्याज मिल जाएगा, तो आपने डिवेंचर और शेयर्स दोनों खरीद लिए, 10% ब्याज मिल गया, 1,800 आपको इंटरेस्ट मिल गया, 3,600 आपको शेयर होल्डिंग वाला प्रॉफिट मिल गया, 3,600 1,800 5400 रुपये मिल गए। अब पहली कंपनी में कितने मिलते थे तुम्हें, पहली कंपनी में 36,000 रुपये का 12.5% आपकी कमाई थी, तो पहली कंपनी में हमारी कमाई 4,500 थी, तो हमारी कमाई 900 रुपये बढ़ गई। ये आर्बिट्रेज वाला जनरली आज तक मतलब एग्जाम में आज तक कभी पूछा नहीं गया और थोड़ा सा घुमाकर भी है, ये थोड़ा लंबा कंसेप्ट है, तो रिवीजन में जितना मैक्सिमम कवर कर सकता था मैंने उतना कर लिया। आप एक बार इसको ना समझ में आए तो देख लेना और लाइटली इसको पढ़ना, ज़्यादा इसमें इन डेप्थ में मत जाना क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड ये इतना है नहीं और बच्चे को फंसाता ही ज़्यादा है। ये हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों का काम खत्म हो गया। 6 सेशन हमारे पूरे खत्म हो चुके हैं। अब जो हमारा लास्ट सेशन है उसमें हम रिस्क एनालिसिस और डिविडेंड डिसीजन करेंगे और हमारा पूरा एफएम का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को बहुत सही मज़ा आया होगा। मेरी मीटिंग थी आज रात कहीं पर, तो अब मेरे को निकलना होगा। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहना क्योंकि अगर कल हो पाया तो मैं सुबह को सेशन लूंगा 10-11 बजे के आसपास। तो जो लास्ट सेशन है वो 10 या 11 बजे के आसपास कल हो सकता है, अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी मेरे को कहीं काम से जाना है। उस हिसाब से कल का मेरा शेड्यूल बनेगा। अगर कल दिन में नहीं हुआ 10-11 बजे तो फिर शाम को 5 बजे लेंगे। ओके जी, सबको टाटा बाय बाय।